कुछ लोगों के हृदय में नहीं बैठा है। कहीं नहीं लिखा है कि केवल पुरुषों के, तो पुरुष हो, नारी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो या बौद्ध हो या सिख हो या जैन हो या मुसलमान हो या ईसाई हो यहूदी हो, तो हमारा जो शास्त्र है, धर्म है, उसमें ये लिखा है कि ये जो आत्मा है वो सबके अंदर है। और ये आत्मा ऐसा नहीं है कि एक आदमी के अंदर आत्मा अलग है, दूसरे में अलग, कुछ मतलब हर एक में वही आत्मा है, तो सभी एक ही समान है। फिर वो बोलते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, मतलब कि जो हमारे अंदर जो प्राण है, जो जीव है, वो भगवान है, भगवान रूप में वो प्राण जो है हमारे अंदर है। और इसमें ये नहीं लिखा है कि एक जीव के अंदर इस टाइप का प्राण है, दूसरे टाइप के, सभी में एक ही प्राण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी समान है, क्योंकि सभी में वही आत्मा है, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो या पुरुष हो या नारी हो या ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, भारत देश का हो, कहीं दूसरे देश का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, विकलांग हो, बहुत बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सब में वही आत्मा है। तो ये हम पहले समझ लें कि ये हमारे शास्त्रों में, धर्म में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, तो इसमें कोई भेदभाव का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो रामलाल जी, मैं ये जरूर कहना चाहता था क्योंकि आपने ये पूछा था। और आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ये कहते हैं कि सुनो भाइयों, पूरे दुनिया के भाई लोग सुनो, आप अमृत के पुत्र हैं। तो जो मानव है, मानव को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है हमारे धर्म में, मानव को कोई तुच्छ या मतलब पापी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वो कहते हैं कि तुम अमृत के पुत्र हो, तो ये उपनिषद में लिखा है। तो मैंने सोचा कि शुरू में आपने ये सवाल पूछा तो यहीं से हम शुरू करते हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, बियॉन्ड दिस, ये अभी मैंने बात कर ली है ये अमृतस्य पुत्रिया के बारे में। हाँ, और पिछली बार यही सवाल कई बार आए थे और कुछ लोगों ने ईमेल भी भेजा कि ये जो वेद है, ये उपनिषद है, सब लोग पढ़ सकते हैं कि केवल कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं? तो पिछली बार भी मैंने कहा था कि शुक्ल यजुर्वेद में सीधा लिखा है कि सभी को समान अधिकार है ये वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए। और वो जो अब गुरु मानिए, आचार्य मानिए, वो कहते हैं कि ये जो धर्म है, मैं सबको सुनाऊंगा, सब जनों को सुनाऊंगा, ब्राह्मण को सुनाऊंगा, क्षत्रिय को सुनाऊंगा, शूद्र को सुनाऊंगा, आर्य को सुनाऊंगा, अपने लोगों को सुनाऊंगा, और बाहर के लोग जो अन्य अजनबी लोग हैं सबको सुनाऊंगा। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि सबको अधिकार है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अगर वो चाहे, मगर जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब क्या रीकैप को क्या बोलते हैं कि संक्षिप्त रूप में जो पिछली बार हमने बात की थी कि जो वेद, वेदांत या उपनिषद बोलते हैं, उसको सबसे उच्च स्थान दिया गया है। उसके बाद हमारे तमाम धर्मशास्त्र हैं, ये मनुस्मृति इत्यादि, फिर रामायण, महाभारत, पुराण, बहुत सारे पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है इत्यादि। फिर दर्शन बोलते हैं, जो फिलॉसफी को बोलते हैं कि अलग अलग दर्शन भी हैं, सांख्या, न्याय, वैशेषिका, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब हैं। इसके बारे में हम शायद चर्चा नहीं कर पाएंगे आज। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने ये धर्मों के ऊपर अपने अपने क्या बोले दृष्टि दिए हैं, दर्शन कि इसका मतलब क्या है। फिर भाष्य है, जो मतलब टीका या टिप्पणी बोल सकते हैं। फिर बाद में बहुत सारे फिलोसफी है, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत वगैरह, अगर कोई सवाल होगा तो इसके बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ कह सकते हैं बाद में। मगर जो भी बाद में जो भी धर्म आए हैं, जो भी हमारे शास्त्र आए हैं, वो सब वेद और वेदांत को सबसे ऊंचा स्तर देते हैं।
तो ये आप समझ लें कि जब हम मनुस्मृति या किसी और स्मृति की बात करते हैं कि इसमें ऐसा लिखा है उसमें ऐसा लिखा है, तो हमको ये देखना है कि जो धर्म सबसे ऊंचा है वो क्या कहता है। तो उसी के बारे में हमने अभी तक बताया कि सबको वही अधिकार है, सब में वही आत्मा है और सभी में वही समान आत्मा है और सबको अधिकार है इस धर्म में के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और भगवद गीता है, भगवद गीता को बहुत उच्च स्थान दिया जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं हमारे देश में। अगर समय मिलेगा तो भगवद गीता के बारे में थोड़ा सा 5-10 मिनट जरूर बात करेंगे। और अगर आप कुछ भी सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई मेरी ये सोच है और ये मेरा सोच सही है, चाहे आप ऋषि हो मुनि हो आजकल कोई भी हो, तो आपको वेद प्रमाण मानना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा जो दृष्टिकोण जो है मैं ये सिद्ध करता हूँ और इसका प्रमाण है ये वेदों में लिखा है। तो इसको हम एक सामान्य वो मानते हैं कि भाई इसी के आधार पर हमको अपनी सारी टिप्पणियां भाष्य अपने जो भी फिलॉसफी वगैरह हैं वो इसी के आधार पर बनानी। तो ये पिछली बार हमने संक्षिप्त रूप में कहा था, अभी आगे बढ़ते हैं अगले, लेट शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें ये थोड़ा सा क्या बोलो अब सूक्ष्म है, कुछ लोगों को पहली बार सुन रहे हैं तो उनको थोड़ा कठिन भी लगेगा। तो इसमें अगर कुछ सवाल हैं तो हम पूछेंगे हो गएंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल लेवल पे भी लेके आएंगे अगर हो सके। तो उपनिषद तो कई लोग सुने होंगे, तो उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं और वेद के अंत में जो आता है उसी को उपनिषद बोलते हैं, और इसको ज्ञान कांड बोलते हैं। मतलब वेदों में एक तो कर्म कांड है जिसमें ये पूजा तो नहीं कहते हैं, ये जो यज्ञ वगैरह करते हैं अग्नि यज्ञ वगैरह वगैरह उसको कर्म कांड बोलते हैं जिसमें मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, और उपनिषद को ज्ञान माना जाता है। तो उपनिषद में क्या लिखा है, क्या है उपनिषद, वो मैं थोड़ा सा 10 मिनट बताऊंगा और शायद कई लोगों को इसके बारे में सवाल भी होगा। मैंने जो देखा है कई लोगों को इसमें बहुत रुचि है, कई लोगों को बिल्कुल रुचि भी नहीं है। जो भी है हम अभी शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो ये उपनिषद में क्या है कि मैं कौन हूं, ये विश्व क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसी के बारे में ज्यादा चर्चा होती है। और माना जाता है कि 10 उपनिषद बहुत ही उच्च स्तर के हैं, और वैसे तो 108 उपनिषद हैं जिनके बारे में अभी भी लिखित रूप में हमको पढ़ने को मिलता है, और बहुत ही छोटे हैं। जैसे वेदों में, जैसे ऋग्वेद में संहिता में 10,000 से ज्यादा श्लोक हैं, मगर कुछ उपनिषद उसमें है कि 10-15-20 श्लोक से ज्यादा नहीं है। तो बहुत ही छोटे हैं उपनिषद, मगर उसमें बहुत ही उसको उच्च स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको हम मानते हैं ये ज्ञान स्वरूप है। इन इंग्लिश दे कॉल इट रिवील्ड टेक्स्ट। तो ऋषि मुनियों को अपने ध्यान में जो दिव्य सच्चाइयां उनको दर्शन हुए उसी की व्याख्या की गई है उपनिषदों में। तो वो ध्यान में बैठते थे, उनको कुछ भगवान या ईश्वर या ब्रह्म परब्रह्म या जिसका भी वो ज्ञान होता था उनके ध्यान में, उसी के आधार पर ये उपनिषद बने हैं। तो ये केवल टिप्पणी या अपने बुद्धि से नहीं निकाला गया है, ये दिव्य ज्ञान है, इसको ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए इसको सबसे उच्च स्थान दिया गया है। शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो वेद शिरा मतलब कि वेदों का सर माना जाता है उपनिषद, और कई लोग कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का जो मूल आधार है वो है उपनिषद। तो हमारे देश में इसकी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, शंकराचार्य, विवेकानंद, चिन्मयानंद, शिवानंद, औरबिंदो, रंगनाथ, आजकल आप देख लो हर एक भाषा में इसके ऊपर लोगों ने किताबें लिखे हैं, और विदेशों में भी कई लोगों ने इसके बारे में लिखे हैं, मैक्स मुलर, पॉल ड्यूसन, आर्थर एवलॉन, शोपेनहावर, हरमन हेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं जो विदेशों में हैं, उन्होंने भी इसके बारे में केवल अंग्रेजी में नहीं जर्मन वगैरह में भी फ्रेंच में भी इसके बारे में उपनिषद के बारे में लिखा है। तो ये खास तौर से जैसे हमारा हिंदू धर्म है
इसको हम भगवत गीता, राम कृष्ण, रामायण, महाभारत वगैरह हम सब मानते हैं, मतलब जो लोग मानते हैं धर्म को वो मानते हैं, मगर विदेशों में ये राम कृष्ण और ये सब भगवत गीता को उतना नहीं मानते, ये उपनिषदों का मानते हैं। इसका कारण अभी आपको पता चलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जस्ट औपचारिकता है कि 10 उपनिषदों को सबसे उच्च स्थान दिया जाता है और वो चारों वेदों में अलग अलग हैं। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद है, यजुर्वेद में तैत्रीय, कठोपनिषद, बृहदारण्यक का और ईशा उपनिषद, और सामवेद में केना एंड चांडोग्य उपनिषद, और अथर्ववेद में मुंडका, मांडुक्य, प्रश्न उपनिषद। तो ये सब अलग अलग वेदों में उसके अंत में ये 10 उपनिषदों को उच्च स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि एक तरीके से बोला जाए तो आदि शंकराचार्य, जिसका नाम आपने सुना है, उन्होंने इनके ऊपर टिप्पणियां लिखी हैं, और बाद में जो अलग आचार्य भी आए थे उन्होंने भी इन 10 उपनिषदों के ऊपर अपनी अपनी कमेंट्रीज या टिप्पणियां लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं। तो ये है, आगे से बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो ये उपनिषद में है क्या? तो ये ऐसा है कि इसीलिए इसको ज्ञान मार्ग माना जाता है, इसमें कोई भगवान भजन पूजा पाठ ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें सबसे सीधा सवाल वो उठाते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे चारों तरफ ये जो पूरा विश्व दिख रहा है, दुनिया दिख रही है, ये क्या है, इसके पीछे कुछ है क्या नहीं। तो ये जो बिल्कुल ही सीधे सवाल हैं, इसके ऊपर ही उपनिषद हैं। तो वो पूछते हैं कि हमको हर वक्त दुखी ही रहना है क्या, बचपन से मरते दम तक हम दुखी रहेंगे क्या, कि कभी दुखी रहेंगे कभी सुखी रहेंगे, हर वक्त सुखी नहीं रह सकते क्या। इस टाइप के सवालों के ऊपर ये ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में लिखा है। तो ये सवालों का एक उदाहरण है। तो इसमें मुंडक उपनिषद में एक बहुत बड़ा व्यक्ति धनवान, वो जाता है ऋषि के पास और ये पूछता है, ऐसी क्या चीज है जिसको जानकर हम सब कुछ जान सकें। अभी क्या है कि हम साधारण व्यक्ति, हमको भी पता चलता है कि यार ज्ञान तो अनंत है सर, हर एक चीज के बारे में हम कभी कभी सोचते हैं कि हर एक चीज तो हम मालूम ही नहीं कर सकते, एक के बाद एक चीज पता की, फिर उसके बाद दूसरी पता की, तो अनंत है, वेद ही अनंत बोलते हैं, मतलब ज्ञान ही अनंत है, तो ये कब तक चलता रहेगा। तो ये इसीलिए एक सवाल पूछता है कि ऐसी कोई चीज है जिसको जानने पे हमको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जो है वो उपनिषदों में इसके ऊपर चर्चा की गई है और इसीलिए इसको ज्ञान कांड माना जाता है कि ज्ञान के बारे में ही जाता है। तो ये मन कहाँ से आया, ये सांस कहाँ से आई, ये जो हमारी जो बोली है वो कहाँ से आई, हमको कैसे सुनने को मिलता है, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या है, इस टाइप के सवालों के ऊपर ही ज्यादा चर्चा है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, उपनिषदों में और वेदांत सूत्र में लिखा है कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी हमारे एक एक्टिविस्ट थे, मैं उनका नाम अभी इस चर्चा में नहीं लेना चाहता हूं, मगर उन्होंने मुझे एक बार बताया कि उनको लगभग 26 साल में उन्होंने सोच विचार करके अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लिया कि भाई मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो इसी टाइप ये उपनिषद भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। असलियत में बोला जाए तो कोई वेद या धर्म हमको नहीं बताता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हर एक व्यक्ति को खुद ही सोचना है कि मेरे जीवन में लक्ष्य है कि नहीं, अगर है तो वो क्या है। तो ये उपनिषद में लिखते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि खुश रहना, आजाद रहना। और ये खुशी और आजादी कहाँ से मिलती है, वो कहते हैं कि जो परब्रह्म है, ब्राह्मण बोलते हैं, वो ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का नाम नहीं है, किसी जात का नाम नहीं है, ये ब्राह्मण क्या है या परब्रह्म क्या है इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि उसका ज्ञान हो जाए तो सारे चीजों का ज्ञान भी हो जाता है और हर सदैव हम खुशी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और आजाद रहेंगे।
तो ये उपनिषदों में लिखा है, अब जिनको पसंद है वो इसको मानेंगे, जिनको नहीं पसंद है उसको आप नकारिए। तो ये क्या है ये ब्रह्म? तो कहते अनंत है, इनफाइनाइट, निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है और इसमें कोई गुण नहीं है, सब गुणों से भी परे है, निर्गुण है। जैसे सिखों में और कुछ धर्मों में इसको अलख निरंजन बोलते हैं, मतलब बिल्कुल निरंजन, मतलब प्योर, और इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई गुण नहीं है। तो ये ब्रह्म को ये मानते हैं। और ये ब्रह्म कहाँ है? कहीं आसमान में छुपा है, कहाँ पे है ये? तो ये कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब हर एक चीज में ये है, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम छूते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, हर एक चीज में ये जो ईश्वर या ब्रह्म है वो हर एक चीज में है। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, मतलब हर एक चीज में है। और इसके दो परिभाषाएं बहुत ही फेमस हैं, मतलब जाने माने परिभाषाएं उपनिषदों में लिखा है। एक है सच्चिदानंद ब्रह्मा। तो ये क्या है सच्चिदानंद ब्रह्म? सत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, तो ये संस्कृत में सत का मतलब है जो है, जो असलियत है, जो दैट विच एग्जिस्ट। अगर वो है तो वो सच भी है, तो जो है उसको सत माना जाता है। और चित मने ज्ञान, और आनंद मने आनंद, जो हम सभी समझते हैं। तो ये ब्रह्म क्या है? ये असलियत है, ये ज्ञान है, और ये आनंद स्वरूप है। इसको हम सच्चिदानंद ब्रह्म बोलते हैं। और ये कहीं आसमान में नहीं है, वो कहते हैं कि सबके हृदय में ये बसा हुआ है। तो दूसरे धर्मों से अगर थोड़ी बहुत अगर हम तुलना करना चाहें, इस बात को बहुत ज्यादा हमारे हिंदू धर्मों में बहुत बार लिखा गया है कि ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो इधर इधर नहीं है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। और इसकी दूसरी जो परिभाषा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैतरीय उपनिषद में है, कि ये सच है, ये ज्ञान है, और अनंत मतलब इसका इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ये ब्रह्म को जानने से हम खुश रहते हैं, हमको सारे दुखों को हम पार कर देते हैं, हमको मोक्ष मिल जाता है इत्यादि, ये ब्रह्म के बारे में उन्होंने उपनिषदों में लिखा है। चलिए आगे बढ़िए, अगर बीच में कोई सवाल है तो आई एम क्वाइट हैप्पी टू टेक इट, बिकॉज दिस इज, जो पहली बार सुन रहे हैं तो ये लगता है कि क्या बोल रहे हैं ये, मैं धर्मों का क्या बोले वकालत करने नहीं आया हूँ, मैं इतना ही बोलूंगा कि धर्म में क्या लिखा है, अगर आपको पसंद है तो लीजिए, पसंद नहीं है तो छोड़िए, तो बस इतना ही है। आगे चले, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी इधर उधर जिक्र किया गया है कि जैसे उपनिषदों में, ये बृहदारण्यक उपनिषद में, तो जैसे वो कहते हैं कि जो प्रेम है, लव, वो पैदाइशी हमारे पास होता है। जैसे बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद ही वो अपने माता मम्मी से प्यार करने लग जाता है, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जो प्रेम है वो सबके दिल में वैसे ही रहता है। आगे जाके बहुत सारे विश्लेषण और ये सब गड़बड़ियां होती हैं, बट हम पैदाइश हमारे अंदर वो प्रेम रहता है, और वो प्रेम ही हमको आनंद देता है, जो असली प्रेम है जो है वो ही हमको आनंद देता है। तो इसमें जो गुरु है याज्ञवल्क्य, वो अपने बीबी को, मैत्रेयी को बोल रहा है कि पत्नी को पति से प्रेम क्यों होता है? वो पति की वजह से नहीं होता है, इसलिए होता है कि पति के अंदर वो आत्मा है। पति को पत्नी से क्यों प्रेम होता है? पत्नी की वजह से नहीं, क्योंकि पत्नी के अंदर वो आत्मा है, इत्यादि, मतलब बेटा, माँ, बाप वगैरह वगैरह, दोस्त, बेटी, हर एक जीव से हमको इसलिए प्रेम होता है कि उनके अंदर वो आत्मा है। और ये तो दिखता ही है कि अगर कोई मर जाता है तो हम उसके देह को क्या करते हैं? हम उसको जला देते हैं या दफना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो हमको उनके देह से उतना प्रेम नहीं है, जो वो थे, उनकी जो आत्मा है उसी से प्रेम है।
तो वो कहते हैं कि इसका जो प्रैक्टिकल या बोले प्रैक्टिकल इसको बोले हैं कि अगर हम इस सोच को लेके अपने व्यावहारिक जीवन में ये सोच रखें कि भाई सभी में ये आत्मा है और इस चेतना से अगर हम सबके साथ व्यवहार करें अपना काम भी करें तो हमको ज्यादा शांति मिलेगी। ये मेरा दुश्मन है, ये ऊंचे जात का है, ये नीचे जात का है, ये बदमाश है, वो सब है, मगर ये हमको सोचना पड़ेगा कि भाई शायद कुछ गलती कर लिया होगा ये आदमी, मगर उसके अंदर ये आत्मा है। तो अगर उस सोच से अगर हम अपना उठना बैठना और व्यावहारिक जीवन करें तो हमको ज्यादा शांति मिलेगी। और ये उपनिषद तो इससे ज्यादा कहते हैं ये सच है, अब ये माने या ना माने कहते हैं ये सच है। तो ये एक प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ मतलब इंग्लिश में बोले कि डेइफाइंग और मेकिंग एवरीथिंग सेक्रेट, मतलब हर एक चीज को हम क्या बोले धार्मिक या पुण्य जैसे बना दें तो हमारा जीवन ज्यादा शांतिपूर्वक रहेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये भी एक बहुत मतलब मैम जो हमारे मनुष्य के बारे में थोड़ा बोलना चाहता था क्योंकि अभी तक हम परब्रह्म के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत ही फेमस या जाना माना श्लोक है बृहदारण्यक में। तो ये अंग्रेजी में तो आप पढ़ सकते हैं कि आप कौन हैं, तो कहते हैं कि आप अपने दिल में झांक के देखिए कि आपके अंदर सबसे ज्यादा आप क्या चाहते हैं, वही चाह जो है वही आपका संकल्प बनता है जो आप बिल्कुल अंदर दिल में झांक के आप कहते हैं हाँ भाई मुझे ये चाहिए, तो वही आपका संकल्प बनता है और उसी संकल्प से आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, और जैसे आप काम करते हैं वही आपका आगे जाके आपका डेस्टिनी को क्या बोले वही आपका फल मिलेगा उसी से। तो ये तो बहुत फेमस है बृहदारण्यक में, और इसके बारे में थोड़ा आप लोग सोचिए, मॉडर्न साइकोलॉजी जो बोलते हैं आजकल जो मनोविज्ञान की बात करते हैं उसमें भी यही है, अंदर जो हमारे पास जो जिज्ञासा या क्या चाहते हैं उसी के आधार पर हमारा जीवन होता है, मगर हम कभी कभी दिल में झांक के इसके बारे में सोचते नहीं है कि भाई असली में मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं ये सब। ये क्योंकि शास्त्रों के बारे में है मैंने सोचा कि उपनिषदों के बारे में ये चार चीजें तो कह देनी चाहिए, चाहे ये औपचारिकता मानिए कुछ भी मानिए। तो इसमें चार महावाक्य माने जाते हैं, तो महावाक्य मतलब कि जो सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, तो मान लीजिए कि उपनिषद को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसमें चार महावाक्य हैं और ये महावाक्यों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मा, तो ब्रह्म का परिभाषा देने की एक एक प्रयास है कि यह ब्रह्म क्या है, तो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो चेतना है सबके अंदर है वही ब्रह्म है। फिर दूसरा महावाक्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अयम ब्रह्म, मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब मैं का मतलब क्या होता है, यह मेरा देह मेरा मन मेरी सोच ये नहीं, मेरे अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है, ये भी एक महावाक्य है। फिर है अयम आत्मा ब्रह्मा, तो वो ऋषि मुनि जिसको भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ उसने अंदर दिल में झांक के देखा कि भाई ये आत्मा है, और फिर उसने बोला कि ये आत्मा और ये जो ब्रह्म है वो अलग नहीं है। तो ये भी ये हिंदू धर्म में बहुत ही अजब चीज है कि मानव और परब्रह्म को अलग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि उसके ज्ञान से मैं खुद ही ब्रह्म हो जाता हूं। और ये तत्वमसी तो इसके ऊपर कई लोगों ने गाने भी लिखे हैं भजन भी लिखे हैं। तो गुरु शिष्य को बोलता है कि बेटा बेटी जो भी बोलो तू भी वही परब्रह्म है, दाउ आर्ट दैट। ये 9 बार इसका दोहराना हुआ है, 9 times ही रिपीट दिस इन दी उपनिषद, 9 बार बोलता है। और कुछ लोग एक पांचवा महावाक्य मान लेते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, मतलब कि हर एक चीज में ब्रह्म है। 1 मिनट का डाइग्रेशन लेके मैं अब कहना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि भाई
ये बुद्ध धर्म के बारे में कहना चाहता हूँ, जो कुछ हमने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, मतलब लिखा तो नहीं है। तो जो गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सबको मालूम है कि वो वहां गए थे और पेड़ के नीचे बैठे और दृढ़ संकल्प से ध्यान करने बैठे, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण मिला वगैरह वगैरह। तो निर्वाण में वो 80 दिन बैठे रहे। उसके बाद निकल के जब आंख खुले, तो गौतम बुद्ध बोले कि ये जो सच्चाई है, उन्होंने ब्रह्म का इस पद का इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो कह रहे हैं कि ये जो सच है, द ट्रूथ, वो मुझ में है, वो सब में है, वो हर एक जीव में है, जीव जंतु में, जंतुओं में है, और पेड़ वृक्षों में है, और पत्थरों में भी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे यह सच नहीं है। तो वो उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने कहा, वो बिल्कुल यही है जो उपनिषद में लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। बाद के आचार्य और ये जो ग्रंथों ने अपनी अपनी टिप्पणियां देके इधर उधर मोड़ के पता नहीं क्या क्या कर दिया है, जो मेरे को समझ में आता है कि ये सब एक ही चीज हर एक जगह बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा मतलब अध्याय की बात हो गई है। अगर इसके बारे में रुचि नहीं है तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ, मगर वो कहते हैं कि चार इसके अंश हैं। एक तो जैसे मैंने बोला कि दिव्य ज्ञान, रेवलेशन, जो ऋषि मुनियों को ने ध्यान में मग्न होके जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको रेवलेशन बोलेंगे। ये रेवलेशन या दिव्य ज्ञान जो है, ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है, ये हर एक धर्म में है। तो आप इस्लाम में देखिए, तो अल्लाह ने खुद आके मोहम्मद को ज्ञान दिया, और लिखा जाता है कि उनको उसके बारे में अल्लाह ने बोल के सुना के ये दिव्य ज्ञान दिया। मोजेस, उसके पहले जुडाइज्म में, उसको भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ, जीसस क्राइस्ट को हुआ, इत्यादि। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, हर एक जो महान धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मतलब इस्लाम हो, या ईसाई हो, या यहूदी हो, या सिख हो, या जैन हो, इत्यादि, हर एक धर्म में इसका आधार यही माना जाता है कि यह दिव्य ज्ञान है, इसको रेवलेशन बोलते हैं। उसके बाद फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब दर्शन, जो संस्कृत में बोलते हैं, मतलब इस दिव्य ज्ञान के बारे में कई आचार्यों ने अपनी अपनी टिप्पणियां, भाष्य वगैरह लिखे हैं, वो फिलॉसफी है। उसके बाद है कि भाई आचरण, प्रैक्टिस, मतलब ये सब फिलॉसफी और ये दिव्य ज्ञान ठीक है, मगर मैं क्या करूं, तो ये आचरण के बारे में भी है। और फिर ये जो बोलते हैं ना रिचुअल, रिचुअल को क्या बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं रिचुअल को, ये जो पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि, मतलब मंगलवार को आप व्रत रखिए, शनिवार को व्रत रखिए, ये खाइए, वो मत खाइए, और इसी टाइप के जो हैं, ये दूसरे, जैसे मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, ये भी एक रिचुअल हुआ, 1-3-30 दिन वो खाना नहीं खाते हैं। और हर एक धर्म में कुछ ना कुछ इस टाइप के होते हैं, ये पूजा ऐसा होगा, खाना ऐसा होगा, इन दिनों में ऐसा करेंगे, इन दिनों में ऐसा नहीं करेंगे, तो ये सब रिचुअल्स हैं। तो ये चार इसके अंश हैं, दिव्य ज्ञान, दर्शन या फिलॉसफी, आचरण, और ये पूजा पाठ के बारे में उनके तौर तरीके क्या हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। तो इसके पीछे जो मतलब कुछ लोग माने या ना माने, मगर ये जो ग्रंथों में है, यही वाली बात है, शास्त्रों में यही है। तो जैसे मैंने कहा है कि ये दिव्य ज्ञान के बारे में मैंने बोला है कि हर एक धर्म में, हर एक मत में ये दिव्य ज्ञान है, मोजेस, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद वगैरह वगैरह। और ये जो फिलॉसफी या जो दर्शन है, इसमें कई लोगों ने एक ढांचा, मतलब एक ज्ञान स्वरूप, एक ढांचा खड़ा कर दिया कि भाई ये है क्या, दिव्य ज्ञान है क्या। तो इसमें हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, सांख्य, न्याय, मीमांसा इत्यादि बहुत सारे फिलोसफीज हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं है आज,
थोड़ा बहुत अगर समय होगा तो भगवद गीता के बारे में 5-10 मिनट थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। और ये जो आचरण है ये तो घर में बैठ के सीखते हैं, आजकल टीवी में गुरुओं से सीखते हैं, नहीं तो गुरु के पास सीखते हैं, या बड़ों से सीखते हैं, या किताबों से सीखते हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है कि भाई योग को कैसे किया जाता है इत्यादि। तो आचरण के बारे में भी शास्त्रों में दिया गया है, मगर अगर हम उसको ठीक से ना समझे और ऊटपटांग करें तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। और अंत में जो पूजा पाठ है इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो इसमें इतने मतलब आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जाइए और बंगाल से लेके महाराष्ट्र जाइए, हर एक राज्य में अलग अलग टाइप के पूजा पाठ और ये वो होते हैं, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। मगर इसका जो मानते हैं कि भाई जिनको इसके ऊपर श्रद्धा है, सबको इसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिनको इन पूजा पाठों पे श्रद्धा है, मंत्र भजन जप तप इत्यादि पे, तो उनको थोड़ी शांति मिलती है ये माना जाता है। चलिए आगे चलें, लेट्स गो अहेड। तो मैं इसके साथ खत्म करूंगा, फिर शायद थोड़े बहुत सवाल वगैरह होंगे तो देखते हैं। तो ये भगवद गीता जो है इसका बहुत उच्च स्थान दिया गया है, और इसकी जो इसका जो अनुवाद है भगवद गीता का और इसके ऊपर जो भाष्य लिखे गए हैं हजारों या लाखों में होंगे। हमारे भारतवर्ष में ही हर एक राज्य में अपनी अपनी भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद हो चुका है। फिर मैं देख रहा था कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन, ऐसा कोई इटालियन, ऐसा कोई विदेशी भाषा नहीं है जिसके ऊपर भगवद गीता के ऊपर उन्होंने अनुवाद ना किया हो। तो ये इसके बारे में बहुत सारे इसको बहुत ज्यादा उच्च स्थान या बहुत पॉपुलर हो गया है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये है कि ये वेदों को और उपनिषदों को नकारता नहीं है, वो वेदों और उपनिषदों को मानते हुए आगे बढ़ता है। और पहली बार हम ये एक अवतार पुरुष को देखते हैं, तो कृष्ण को अवतार माना जाता है। ये अवतार मतलब क्या, जो ग्रंथों में लिखा है अवतार मतलब जब परब्रह्म जन्म लेके एक सामान्य व्यक्ति का रूप लेता है उसी को अवतार मानते हैं। कृष्ण के पहले भी कई अवतार थे, मगर पहली बार हम गीता में देखते हैं कि ये कृष्ण जो है उपदेश दे रहा है, खड़े होके उपदेश दे रहा है सीधा। राम अवतार में उतना उपदेश नहीं है, और उसके पहले जो थे वो तो मतलब क्या बोले, वो तो मतलब मत्स्य कूर्म ये सब तो मानने वाली बातें हैं। तो भगवद गीता में और उपनिषदों में सबसे पहला जो आपको अंतर यह दिखेगा कि उपनिषदों में कोई भगवान नहीं है, कोई अवतार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उपनिषदों में केवल ज्ञान है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, कहते हैं एक परब्रह्म है, वो कहाँ है, उसको उसका ज्ञान मैं कैसे प्राप्त करूं, इस टाइप के सवालों के ऊपर चर्चा होती है, और दिव्य ज्ञान कहते हैं कि मिल भी सकता है। मगर गीता में वो पहली बार कहता है नहीं, मैं खुद ही भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ कृष्णा, ये बोलता है। तो पहली बार हमारे ग्रंथों में एक साकार या सगुण भगवान के बारे में हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, भगवद गीता में जो पहली बार लिखा गया है इतनी अच्छी तरह से या मतलब पूरे तरीके से, वो है कर्मयोग के बारे में। तो कर्मयोग के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा, शायद आई विल टेक मोर टाइम देन, मतलब थोड़ा सा समय तो लेगा कर्मयोग के बारे में बोलने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि गीता में जैसे उपनिषदों में कोई फिलॉसफी नहीं, वो ऋषि मुनि ध्यान में बैठते थे, अंदर से कुछ ज्ञान दिव्य ज्ञान मिलता था, वो कविता में उसको लिख देते थे कि भाई ये है वो है इत्यादि, मगर उसको पूरा एक निचोड़ करके इसका सारांश क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, वो उपनिषदों में नहीं है। मगर गीता और वो केवल जो निर्गुण निराकार उपासक हैं, जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, उन्हीं के लिए है वो, जो बहुत ही लाखों में एक होते हैं। मगर गीता में उन्होंने ये सीधा कह दिया है कि
हर एक व्यक्ति को यह परब्रह्म या भगवान के ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार तो है ही, मगर हम अलग अलग विधियों से अलग अलग मार्गों से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग और इसके भी अलग अलग टाइप के उन्होंने मार्ग बताए हैं भगवद गीता में। हर एक चैप्टर में उन्होंने अलग अलग वो भी बताए हैं कि भाई ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा इत्यादि। तो इसमें उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क, आई डोंट नो फिलोसफी इसको कैसे बोले, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, मगर उन्होंने हर एक चीज का एक कारण भी बताया है कि ऐसा क्यों करके। और कुछ बातें जो बारंबार आती हैं, एक तो ये है कि भाई निर्लिप्त अनाशक्ति। तो महात्मा गांधी भगवद गीता को बहुत मानते थे, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को मालूम होगा, और उन्होंने भगवद गीता को कहा है कि ये अनाशक्ति योगा, मतलब डिटैचमेंट, मतलब जो निर्लिप्त होके कार्य करना उसको बहुत एक अहम स्थान दिया है भगवद गीता में। और कहते हैं कि अपने मन को शांत रखिए, मतलब ये ईर्ष्या और गुस्सा और मन को चंचल रखना ये सब छोड़िए, मन को शांत रखिए और उसी के आधार पर आप अपने जीवन को जीए। तो और भी हैं इसके बारे में, चलिए आगे बढ़िए। Shall we go to the next slide, please? Hello? One second, sorry. अभी दिख रहा है? जी। हाँ, दिख रहा है। ये आखिरी है। तो इसमें दूसरा क्या है कि जैसे ये मतलब मुझे क्या करना चाहिए, तो मध्यम मार्ग, मतलब कि ज्यादा सो मत, ज्यादा खाओ मत, बहुत कम भी मत खाओ, बहुत ज्यादा भी मत खाओ, बहुत कम भी मत सो, कुछ ज्यादा भी मत सो, और बहुत ही ज्यादा तपस मत करो और बिल्कुल ही मतलब बिना कार्य बैठे रहो, मतलब अपना आलसी रहो, वो भी मत करो। तो मध्यम मार्ग के बारे में उन्होंने भगवद गीता में लिखा है और ये गौतम बुद्ध ने भी कहा है, क्योंकि उस जमाने में गौतम बुद्ध ने क्या किया कि वो बहुत घोर तपस्या करने बैठ गया, तो उसके हड्डियां तक सिकुड़ गए थे, खाने को नहीं था, मरने को जा रहा था। फिर उसने सोचा कि यह गलत है और थोड़ा खान पीन करके वो कुछ पायस खाया था, जो बहुत अम्रपाली जो नाचने वाली थी उसने उसको वो दिया, तो उसको थोड़ा सा शक्ति आया, फिर बैठ के उसने फिर से ध्यान लगाया तो उसको निर्वाण या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस गौतम बुद्ध ने भी कहा है मिडल पाथ, जैसे कृष्णा ने कहा है। और ये तो ये बारंबार यहाँ लिखा जाता है कि ये जो आत्मा है ये सब में है। ये अच्छा, खत्म करने के पहले मैं ये कर्मयोग के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। सबने, कई लोगों ने सुना भी है, तो क्योंकि ये गीता का एक विशेष वो है, एक बहुत विशेष चीज है जो पहली बार जो उपनिषदों से परे है, ये कर्मयोग। तो इसका जो सारांश, तो सबको मालूम है कि भाई जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम वो क्या है फेमस श्लोक, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो सब कई लोगों ने सुना है कि हमको केवल कर्म करने का अधिकार है और फल के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं है। और ये जो है इस भावना से अगर हम काम करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे अंत में। तो इसके बारे में बहुत सारी लोगों ने कई चीजें लिखी हैं, क्योंकि मैं 20-25 साल से इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सोचा कि 2 मिनट अगर सबकी इजाजत हो तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो। तो इसका जो थियरी है ये है कि जैसे हम कुछ काम करते हैं, अगर उस काम का अच्छा नतीजा निकलता है, हमको सुख मिलता है या वाह वाह मिलता है या पैसा मिलता है या नाम शौहरत मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो हम खुश हो जाते हैं। और वो जो खुशी है वो हमारे मन में जाके, दिल में जाके बैठ जाता है। फिर अगली बार याद आता है कि भाई हमको फिर से ये करना चाहिए, फिर से खुशी मिलेगी।
अगर ऐसा कोई काम करें जिससे हमको तकलीफ होती है या जेल जाना पड़ता है या कुछ मन में दुख मिलता है या लोग हमको गाली देते हैं या गलत नतीजा निकलता है, उसका भी मन में प्रभाव होता है। तो सभी के लिए है, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सब में होता है ये। तो फिर हम सोचते हैं कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए। अब ये जो मनोविज्ञान की दृष्टि से ये माना जाता है कि ये जो हमारे मन में जो कुछ ये सब वृत्तियां बोलते हैं, जो मन में जो बस जाते हैं, हमारे अलग अलग कार्यों के जो फल हैं वो मन में बस जाते हैं। जब वो बस जाते हैं तो वो फिर से निकलते हैं तो फिर से हमको कार्य करने के लिए बाधित कर देते हैं कि भाई काम करना ही पड़ेगा। मतलब एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलूं, जिसको दारू पीने की आदत है वो शाम को 5-6 बजे उसको फिर से लगता है यार जाके मैं दारू पीऊं, मतलब वो इस टाइप का। और वो हर एक चीज का यही होता है कि जो हमारे मन में जो वृत्ति है वो उभर के निकलती है और उसके आधार पर हम काम करते रहते हैं, या तो काम करते हैं कि या काम को दूर करते हैं या दुश्मनी करते हैं या कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मगर ये जो मन में जो वृत्तियां हैं इसी की वजह से हमको सच का या जो परब्रह्म है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इसका भी तरीका क्या हुआ फिर? क्या हम हर वक्त ऐसे ही रहेंगे कि एक काम किया उसका फल भोगा अच्छा या बुरा, वो मन में जाके बसा, वो फिर से उभर के निकला, फिर से हमने कार्य किया, ये कॉज एंड इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ये निरंतर चलता रहेगा क्या? तो गीता में पहली बार उन्होंने कर्मयोग के बारे में इसीलिए लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि आपका जो काम करना है, अब धर्म तो नहीं कहूंगा, जो भी आपका काम है आपके सामने, अरे भाई परिवार का पोषण करना है, नौकरी करनी है, काम करना है, खेती करनी है, मजदूरी करनी है, जो भी करनी है वो तो करना ही होगा। मगर वो ये कह रहे हैं कि इसको निर्लिप्त होके करो। निर्लिप्त होने का मतलब क्या होता है? कि ये काम है, ये मेरा कर्तव्य है, इसको मान के हम करें निर्लिप्त होके, मगर उसका जो फल है उसके ऊपर हम दृष्टि ना रखें। तो मन में जो वो कहते हैं ना कि जो इम्प्रेशन, जो वृत्ति और भी जोर से जाके बन जाती है वो नहीं होता है। तो मन चंचलित नहीं होता है अगर हम निर्लिप्त होके काम करें। तो फिर क्या होता है, जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है, अगर स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा? पंखा एक ही बार में रुक जाएगा क्या? उसके पीछे बिजली बंद हो जाती है, मगर 5-10 मिनट वो पंखा चलता रहता है, थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर धीरे 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 जाके पंखा बंद हो जाता है, तो शांति होती है। तो ये कर्मयोग का भी यही है कि अंदर में जो हमारी वृत्तियां हैं वो तो उभर के निकलेंगे ही निकलेंगी, मगर अगर हम निर्लिप्त होके ये कार्य करते रहें तो आगे जाके कर्म नहीं बनेंगे। जो पुराना फैन है वो चलता रहेगा, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये है इसका, जो मेरे को समझ में आया कर्मयोग के बारे में। इसका मतलब जैसे कह रहे हैं कि आपको फल का अधिकार नहीं है, ये नहीं है। कोई कहते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, मतलब इसका जो नतीजा है इसके ऊपर आप ध्यान ना दीजिए, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं, गलत है। अगर हम जो भी हम काम करते हैं उसके ऊपर हमको पूरा ध्यान पूरे मन से काम करना है, ऐसा नहीं है कि हम यारे यार हमको इससे क्या लेने देना, पूरे मन से काम करना है। और करने के बाद हाथ धो लीजिए भाई, हाँ भाई काम खत्म हो गया, फिर उसके ऊपर उसको मतलब चरिए मत, मन में उसको चरना बोले कि उसको बारंबार उसके बारे में सोचना है, भाई मेरे को ये मिला वो मिला, इसने ऐसा कहा उसने ऐसे कहा, तो हम अपने मन की वृत्तियों को और भी जोर जोर से जोड़ रहे हैं। तो पूरे मन से काम करें, क्यों? योगा कर्मस्य कौशलम, यही गीता में कहा है कि योगी वह है जो काम को कौशल तरीके से अच्छी तरीके से करता है, योगा कर्मस्य कौशलम। तो ये कभी नहीं कहा है कि आप काम को निर्लिप्त होकर करें, इसका मतलब कि बेपरवाही से करें। तो ये है जो कर्मयोग में जो थोड़ा बहुत मैंने सोचा इसके बारे में, तो मैंने कहा ये कह देता हूँ, बाकी जो है उनकी चर्चा चलती रहेगी। तो अभी मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और अगर कुछ सवाल हैं तो जरूर चर्चा होगी।
बहुत सारी चीजें एक ही दिन में बोलना भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि फिर मेरे को इसको पढ़ते हुए 40 साल हो गए, और आधे पौन घंटे में अगर हम सारी चीजें बोल दें तो फिर जो पहली बार देख रहे हैं उनको लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये। इसीलिए मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। और अगर आपको कोई सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर। लोचन जी, देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस. आर यू एबल टू सी देम लाइक लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में? No, that's the problem. I don't know what has happened. Let me try again. When I अच्छा, go to the School for Democracy, हाँ, now I can see. Sorry, sorry. मैंने ये Q&A तो पिछली तरीके, जैसे अगर अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में बोलूंगा, हिंदी में तो हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? जी. तो अगर हम शुरू से करें तो पहले उन्होंने नाम नहीं बताया, अज्ञात रूप में उन्होंने लिखा, अनोनिमस लेटर। यह महाभारत और रामायण सच्ची में हुए कि नहीं? जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हुआ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। वो सच्ची में हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, तो मेरे को तो यही कहना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि हुआ, कुछ लोग मानते हैं नहीं हुआ, आपकी इच्छा है। मगर इसका जो लोग कहते हैं कि भाई चाहे हुआ या ना हुआ, उसमें लिखा क्या वो तो देखिए, अगर आपको पसंद है तो लीजिए, आपको पसंद नहीं है तो छोड़िए। क्योंकि ये जो भारतीय मन जो है वो ऐतिहासिक सच्चाई पे नहीं जाता है, वो जो उसका जो एसेंस है, मतलब उसका जो मूल है कि उस किताब में क्या लिखा है, वो सच है तो मानेंगे, वो सच नहीं है तो नहीं मानेंगे, तो उसके ऊपर ही ज्यादा चर्चा होती है। फिर दूसरा सवाल है हरलाल बैरवा का, क्या हिंदू धर्म में कोई विषमता है? अब मेरे को थोड़ा अपना इग्नोरेंस प्लीट करना पड़ेगा, ये विषमता का मतलब क्या होता है? आप क्या क्या कहना चाहते हैं विषमता के, क्या है आपके मन में, क्या है जब आप विषमता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या कोई और बता दे। हेलो, चैट पे तो कुछ नहीं आ रहा है इसके ऊपर. नहीं, ऑल्सो चैट द नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये विषमता जो शब्द प्रयोग हो रहा है, जी उनके मन में क्या है, ये विषमता शब्द का क्या अर्थ है उनके मन में, ये मैं समझना चाहता था। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें वही कॉन्ट्रडिक्शन या विषमता है कि नहीं, मैंने वही समझा था, जरूर है, क्योंकि हजारों ग्रंथ हैं, हजारों शास्त्र हैं, महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, भागवत पुराण में 2 लाख श्लोक हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, कई लोगों ने लिखे हैं, तो उसमें विषमता क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। हर एक धर्म में, हर एक कौम में विषमताएं हैं, मार्क्सिज्म में विषमता है, कैपिटलिज्म में है, सोशलिज्म में। अगर आप भक्त हैं किसी एक चीज का तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये बिल्कुल सच है, मगर बाकी लोग कहेंगे नहीं ये सच नहीं है, तो ये तो विषमता है ही, इसको कौन कहता है कि नहीं है। तो ये हम को ये देखना है कि इसमें मुझे क्या मिलता है, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो हम लेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता तो छोड़ेंगे। ये बाकी जो ये जो ज्ञानी रूप हैं और स्कॉलर्स हैं वो आपस में मतभेद करते रहे, चर्चा करते रहे, हमको क्या लेना देना इससे। मेरा तो ये राय है कि जो आपस में आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं उनको करने दो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर S.A. नारायण, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माया एंड वेयर डज कम फ्रॉम? नारायण जी, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू सेंड मी एन ईमेल, ठीक है? मगर ये बिकॉज यू नो इट इज लाइक स्मोक एंड मिरर्स, देर इज अ लॉट ऑफ थियोरी एंड कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट, बट मोटा मोटा वो ये कहते हैं, ये एक महावाक्य है, महावाक्य मतलब सूत्र जो भी माने जाए, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये तो कई लोगों ने सुना होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब जो उपनिषदों में जो पर ब्रह्म की बात हो रही थी, सच्चिदानंद ब्रह्म इत्यादि,
वो सच है, जगत मिथ्या मतलब जो हम कुछ देखते हैं चारों तरफ वो मिथ्या है, या मिथ्या का मतलब क्या होता है, वो अनंत नहीं है, क्योंकि आज मैं हूं कल मैं मर जाऊंगा, मेरे सामने ये पेड़ है वो आज है वो कल चला जाएगा। जो अनंत नहीं है, जो नित्य नहीं है, उसको वो उस भाषा में असत्य माना जाता है, और क्योंकि वो कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है, उसको एक तरीके से बोल सकते हैं वो माया है। बट इट रिक्वायर्स ए मच लॉन्गर डिस्कशन, सो इफ यू आर वेरी कीन आई विल रेफर सम टेक्स्ट टू यू। तो ये माया तो यही है। निर्मला, डू एवरीवन हैव डीप ड्राइविंग डिजायर, हाउ विल इट मैनिफेस्ट? आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन इनटू एवरीबॉडीज minds to find out whether they have a deep driving desire or not. I'm just quoting what the Upanishad says. I cannot answer it any better than that. I don't know. The answer is simply, I don't know. Ashim Jain, can it be said that the Upanishads are the summary of the Vedas? Actually, the short answer is no, because the Vedas have been divided into four parts. And the first two parts are called the Karma Kanda, that is the Samhitas and the Brahmanas. So, usme sab rituals hain. Ye ved yagna kaise karna, hom kaise karna, mantra kaise padna, usko uchcharan kaise hoga, ye Gayatri mantra karna, ityadi, wo sab karma mein aata hai. Usme jyada gyan ke bare mein ya knowledge, divine knowledge ya revelatory knowledge ke bare mein nahi hai. Aur jo Upanishad hain, वो एक्चुअली डायरेक्टली ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो यज्ञ वगैरह है, उसको नकारता है। वो कहते हैं ये सब करने से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा बहुत मन की शांति मिल सकती है, कुछ धन यश इत्यादि स्वास्थ्य वगैरह मिल सकता है, मगर जो पर ब्रह्म का ज्ञान है वो ये कर्मकांड से नहीं मिलेगा, आपको वो अलग तरीके से ही प्राप्त करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट very accurate to say that it is a summary of the are kahan gaya hai bhai questions fir se I'm just getting again losing the track ha ye raha तो प्रियंका यादव, डू यू थिंक दैट बिकॉज ऑल दिस रिलीजियस टेक्स्ट वर लार्जली रिटन वोकलाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय मेन, इट हैज बिल्ट अ नैरेटिव एंटायरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन जेंडर, मोसेस, जीसस, मोहम्मद, रामा, कृष्णा बीइंग मेल, डज इट रिफ्लेक्ट द नीड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए मोर जेंडर इंक्लूसिव नैरेटिव एंड इंटरप्रिटेशन? मे बी I have no answer for this because I was just told to speak about the scriptures. If you think the scriptures are biased, so be it, perfectly all right. But there are many references to the female deity, and let me just say one thing very clearly. They use the word it, it. They don't say he or she. The Supreme Brahman is not he, it is not she, it is it. It has no gender. But certainly, I mean, as the scripture itself says, everybody can take their own point of view. And if you think that it needs to be more gender inclusive, otherwise it is all nonsense, you're free to think so. So I really don't know the answer to that. Then Santosh, there is a dispute about mythological aspect of Gita and existence of Mahabharata story. What are your views? Maine pehle bhi bol rakha tha, jab aapne pucha tha ki Ramayana aur महाभारत हिस्टोरिकल है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ और इसके बारे में बहुत पढ़ा हूँ, एंड फ्रॉम एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट एंड रैशनल पीपल हु थिंक एवरीथिंग इज गॉबल्डी गुक टू सम आर्कियोलॉजिकल पीपल हु से नो नो देयर इज सम एविडेंस टू ऑफ कोर्स द ट्रू बिलीवर्स जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ सच है, मुझे नहीं मालूम। मगर मेरा जो सोच है कि महाभारत छोड़िए, वो महाभारत भी सबने पढ़ा है या सुना है इसके बारे में, गीता को देखिए, उसमें जो पसंद है वो दे लीजिए, जो नहीं पसंद है वो मत लीजिए, इतना ही है। गीता में कई श्लोक हैं, मैं तो पब्लिकली बोल रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है मैं कह रहा हूँ,
तो इसके बारे में भी किसी ने मुझे कहा कि अगर हम आम के बगीचे में जाते हैं आम खाने के लिए और बहुत स्वादिष्ट आम है, तो हमारा क्या काम है कि भाई कितने पत्ते हैं, कितने आम हैं, सड़े हुए आम नीचे क्यों गिरे हैं, उन सड़े हुए आमों में ये कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, ये सड़े हुए आम इस बगीचे में क्यों है, तो ये पूरा बगीचा ही सड़ा हुआ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो एक दो आम खा सकते हैं भाई, ज्यादा नहीं खा सकते, तो चुन लीजिए जो दो तीन अच्छे आम है उसको लेके जाके मस्ती मस्त में जाके उसको खाइए। तो ये मेरा अभी यही सोच है। अब उसमें क्या ये है, गलत है, सही है, मेरे को क्या लेना देना, जो अच्छा है वो ले लूंगा, जो पसंद नहीं है उसको मैं छोड़ दूंगा, बस मतलब ये जो मेरा सोच है। क्योंकि आपने पूछा, अब पता नहीं इसका ऑर्डर कैसे बदल रहा है। सुहास को लेकर हमारे मित्र है, उन्होंने दो चार ईमेल भी भेजे। सुहास जी नमस्ते। वो कह रहे हैं कि वॉज कृष्ण अवतार सेट टू बी बिफोर राम अवतार, सुहास को लेकर इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हुई है। तो इसका कुछ कॉलर्स कहते हैं ये पहले हुआ, कुछ कहते हैं वो पहले हुआ, मगर जो हमारे धर्म के आधार पर जनरली माना जाता है वो ये माना जाता है कि राम अवतार पहले हुआ था, बाद में कृष्ण अवतार हुआ था। अब टू मी डजंट मैटर, मुझे ये भी नहीं फर्क पड़ता है, राम और कृष्ण अगर कभी नहीं भी थे तो मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो आप पूछ रहे हैं और जो सामान्य जो माना जाता है वो ये है। अच्छा, नचिकेत, नचिकेत ने हिंदी में लिखा, अंग्रेजी लिपि में सवाल पूछा, क्या ज्ञान प्राप्त करने एक ही तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का, कर्म योग जिसका जिक्र भगवत गीता में भी करते हैं, भक्ति योग या अपने इंद्रियों के ऊपर काबू करना, राजयोग से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं बिना ज्ञान के? बिल्कुल नचिकेत, बिल्कुल। इफ आई हैव टू कोट अ मॉडर्न डे सेंट इन बंगाली, ही सेड जतोर मत ततोर पद, श्री रामकृष्ण, मतलब जैसे आपकी भावना है वही आपका मार्ग है। तो कहीं नहीं लिखा है कि एक ही मार्ग है। तो ये भगवद गीता का अगर एक अच्छी बात माने कि वो हरेक अलग अलग टेम्परमेंट या अलग अलग सोच के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लिखा है कि भाई मुझे ये नहीं पसंद है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल नचिकेत, बिल्कुल बात सही है कि हमको केवल ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर इसके बारे में मैं ईमेल में कुछ लिखना चाहूंगा, जैसे आपकी दिल की भावना है उसी मार्ग पे आप हम चल सकते हैं। ये हिंदुइज्म में एक यू कैन कॉल इट एक विडंबना है, विषमता है या ब्यूटी है या बहुत अच्छी बात है, जो भी जैसे भी आप समझना चाहें, कि एक ही मार्ग कहीं पे नहीं स्पष्ट किया गया है, सब अपने अपने मार्ग पे चल सकते हैं। हाँ, लक्ष्य को एक ही माना है, जो भी आप बोले मोक्ष माने या सुख माने या शांति माने या परब्रह्म माने या भगवान प्राप्ति माने, जो वो लोग लक्ष्य को लगभग एक ही मानते हैं, मगर मार्ग कुछ भी आप इस्तेमाल करिए। इस भगवत गीता शरद, इस भगवत गीता पार्ट ऑफ महाभारत और सेपरेट टेक्स्ट इन लास्ट क्लास, बोथ वर लिस्टेड सेपरेटली, हेंस दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। जब लिस्ट ऑफ धर्म शास्त्रों का लिखा जाता है उसमें भगवत गीता और महाभारत को अलग अलग लिखा जाता है, मगर सब लोग यही मानते हैं कि महाभारत के अंदर ही भगवत गीता है। महाभारत में 100,000 से ज्यादा श्लोक हैं, भगवत गीता में केवल 700 श्लोक हैं, तो बहुत एक छोटा सा अंश है। और कई लोग मानते हैं कि आदि शंकराचार्य है, जो अद्वैत के परम गुरु माने जाते हैं, आदि शंकराचार्य ने वो भगवत गीता को वहां से निकाल के उसके ऊपर जो भाष्य लिखा उससे भगवत गीता को एक बहुत बड़ा स्थान मिला गया। और हमारे हिंदू धर्म में एक प्रस्थानत्रायी बोलते हैं, जो मूल प्रस्थान का मतलब हिंदी में आप एयरपोर्ट में बोलते हैं कि प्रस्थान, मगर उसका संस्कृत में और एक अर्थ है, जो उसका ओरिजिन या सोर्स, उसका जो मूल है। तो मूल त्राय मतलब तीन है उसको, एक उपनिषद है, एक ब्रह्मसूत्र है, एक भगवद गीता है। तो भगवद गीता को भी एक बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है धर्मों में, विच इज कॉल्ड प्रस्थान त्राय, इसीलिए उसको अलग से लिस्ट किया गया है। सो निर्मला, कर्मयोग, कैन इट ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज
plant a tree, worry about the fruits, and then ensure that those reach all the people. Abhay, acha, Abhay is asking. Why not? Bilkul. तो ये तो कर्मयोगी है ही अब है, तो वो तो ये कह रहा है कि भाई हम ऐसा काम करें जिससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मिले, तो उसको कर्मयोग तो मानना ही पड़ेगा। इसका जो सबके अपनी अपनी सोच है, तो मैंने जो छोटा बहुत समझ में आया मैंने बोला, इसका जो है वो है क्या बोले, सेल्फिशनेस या अहंकार या कुछ भी बोले आप, अगर हम अच्छे एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं हमको ये सोचना है कि ये किसके लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं कि जनरल जन कल्याण के लिए कर रहा हूं। तो गौतम बुद्ध ने भी यही बोला था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो अगर हम कहेंगे ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, निस्वार्थ होके कर रहा हूँ, निस्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को उससे खुशी नहीं मिलती है, निस्वार्थ का मतलब होता है कि इससे मेरे को पैसा मिलेगा, यश मिलेगा, पदवी मिलेगी, वाहवा मिलेगा, उसको निस्वार्थ माना जाता है। अपने अहंकार को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए कर रहा हूँ वो सब उसी को स्वार्थ माना जाता है। अगर हम प्रेम से करें, वही उपनिषद में लिखा है प्रेम, अगर हम लोगों के साथ प्रति प्रेम रख के कुछ कार्य कर रहे हैं कि भाई सबका भला हो, ये तो कर्मयोग है, तो बहुत ही उच्च कर्मयोग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने ही कहा है बहुजन हिताय बहुजन सिखाय, काम ऐसा करो जिससे सबका भला हो, सबको सुख मिले। तो बिल्कुल बात सही है। फिर तस्नीम जहान, हेलो सर, डू यू थिंक, हेलो मैडम, डू यू थिंक इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट इट्स ऑफ कल्चर एंड नॉट रिलीजन एंड वाइस वर्सा। आई थिंक दिस इज अ वेरी, आई मीन शॉर्ट आंसर इज यस, शॉर्ट आंसर इज यस, एंड देर आर टू मेनी इंटरमीडियरीज। मतलब कि हर एक धर्म में मौलवी, पुजारी, प्रीस्ट, जो भी बोले, और ये जो टिप्पणी देने वाले भाष्यकर्ता और ये बुद्धजीवी, ये सब बीच में घुस जाते हैं और सब अपनी अपनी मन में जो है वो बताना शुरू कर देते हैं। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, जो इंटरप्रेट करते हैं और सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं। और मानना पड़ेगा कि मैं भी अपना एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपना इंटरप्रिटेशन ना दें, बट मेरा भी कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन जरूर है इसमें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मगर इसी की वजह से, मगर वो मूल आधार पर जाएं कि भाई हर एक धर्म में क्या, हर एक धर्म बोलता है कि प्रेम करो, हर एक धर्म बोलता है कि ईश्वर है या अल्लाह है, कौन कहता है कि नहीं है इसमें, किसी ने नहीं कहा कि भाई आप दूसरों से नफरत करो। तो ये मूल आधार तो यही है। फिर इकबाल अहमद, वेयर डज द कॉन्सेप्ट ऑफ घर वापसी स्टेम फ्रॉम इन द स्क्रिप्चर्स। मैंने तो 40 साल धर्म या हिंदू धर्म पढ़ते हुए कहां पे कहीं पे घर वापसी का जिक्र नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक घर वापसी इन एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ये मॉडर्न पॉलिटिकल टूल है जहां तक मुझे समझ में आया। मगर एक बात मैं कह सकता हूँ कि हमारे धर्मों में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि आपको पहले इस धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट होकर होना पड़ेगा हिंदू धर्म में, फिर ही आप ये ग्रंथ पढ़ सकते हैं या इसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कोई भी कर सकता है। और आप तो देख ही रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जाइए, तमाम विदेशी लोग घूम रहे हैं वहां पे, कोई कन्वर्ट नहीं होता हिंदू धर्म में, वो अपने क्रिश्चियन धर्म को ही मानते हैं। मैं एक साल रामकृष्ण मिशन में रहा, वहां पे मैंने देखा कि कई मुसलमान लोगों ने सन्यास लिया वहां पे रामकृष्ण मिशन में, तो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, दे डिड नॉट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म और एनीथिंग। तो ये एक, मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको एक शपथ लेना पड़ता है कि मैं फिजिक्स को मानता हूँ, फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं मानता हूँ, और इसीलिए मेरे को अधिकार है फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने का, ऐसा कहीं नहीं है। तो ये उपनिषदों और ये सब ग्रंथों में या जो भी कहानी आप, कहीं नहीं लिखा है कि आपको शपथ लेना है कि मैं इसको मानूंगा। आप पढ़िए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो इसी टाइप का एक सोच है। तो घर वापसी कहीं किसी शास्त्र में, धर्म में कहीं नहीं इसका जिक्र किया गया। संतोष, इज देयर ओरिजिन ऑफ फेस्टिवल लाइक दिवाली और होली इन एनी रिलीजियस बुक्स? मुझे नहीं मालूम। आई हैव जस्ट बीन स्टिकिंग टू बाई द सो कॉल्ड डीपर ट्रूथ्स, कि जो असली सच्चाई है उसके बारे में भी मैंने ज्यादा अध्ययन किया है। अब दिवाली क्या है, होली क्या है, अब दिवाली मैं क्या बोलूं? आई ग्रो अप, मैं दिल्ली में मैं रहा, और हम वैसे दक्षिण भारत के,
और ये छोटी दिवाली बड़ी दिवाली दिवाली कौन सा दिन है ये बहुत ही एक विडंबना होती थी, क्योंकि दक्षिण भारत में एक दिन में माना जाता है और उत्तर भारत में दूसरे दिन। और हमारे यहाँ एटलीस्ट आंध्र में नरक चतुर्दशी बोलते हैं, मतलब जिस दिन नरकासुर का वध हुआ उसको हम दिवाली मानते हैं। और मैं घर से बाहर निकलता था वो कहते हैं कि राम उस दिन अयोध्या आए थे इसीलिए दिवाली माना जाता है। और मैं तो बच्चा था, मैंने कहा ये सब होता रहता है, मैं अभी भी सोचता हूँ ये सब होता रहता है। अरे उस दिन नरकासुर का वध हुआ कि अगले दिन राम उधर वापिस आए, क्या लेना देना इससे हमको, मेरे को मैंने तो किसी ग्रंथ में इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो हर एक राज्य में हर एक चीज के बारे में अपनी अपनी सोच है, इससे पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इससे हमको सुख शांति नहीं मिलेगी, ये मेरा सोच है क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं सोचता नहीं। इकबाल अहमद, इज हिंदुइज्म अ मिशनरी रिलीजन? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इट इज नॉट। हम जैसे पहली बार मिशनरीज इंडिया से गए थे तो वो गौतम बुद्ध ने भेजा था, गौतम बुद्ध ने अपने जो भी बोले चेलों को या जो भी कहें आप उनको भेजा था, और वो गए पूरे देश में, श्रीलंका में, टिबेट में, चाइना में, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, और उन्हें जाके ये बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार किया। मगर हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ जहां तक मुझे मालूम है। फिर एक अनोनिमस है, क्या धर्म के मतलब समय के साथ बदलते रहते हैं या धर्म परम सत्य है? बहुत अच्छा सवाल है, धर्म माने क्या? तो इसमें जो जैसे सच्चिदानंद ब्रह्मा वो सत्य है, सत्यम अनंतम ज्ञान ब्रह्म वो सत्य है, वो इनफाइनाइट इटर्नल इम्पर्सनल यूनिवर्सल अनंत भी है, हर वक्त सच है, नित्य है, जो वो है वो नित्य है। मगर जो आचार में आता है वो बदलते रहते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि एक जमाने में ये स्मृति लिखे गए, मनुस्मृति इत्यादि, तो अगर हम चाहें तो आज नई स्मृति भी लिख सकते हैं, कौन कहता है कि ये इसको नहीं। तो आचार बदलते हैं, दिनचर्या बदलती है, दुनिया बदलती है, जो हमारे इतिहास रचा जाता है इतिहास की वजह से कई चीजें, टेक्नोलॉजी बदलता है, कई चीजें आती हैं, समाज बदलता है, तो उसके आधार पर हमको भी बदलना चाहिए। मगर जो अंदर की सच है, जो आत्मा ब्रह्मा की सच है, वो हर वक्त सत्य रहता है, ये जनरली सोच ही रहती है। फिर मायंक शर्मा, ये क्या है लिखा है, How do you look at the politicization of religion in the form of Hindutva? I don't look at least in this session, so I'm not going to get into that discussion. I have mentioned it very clearly to the organizers that I am not going to discuss politics in this session. So we can have a separate discussion if you want. Muskan Narang, what does lust mean? It has been mentioned by Krishna several times in Bhagavad. I wish I knew. I don't know. Any deep desire which drives you to action, जिसके बिना आदमी तड़पता रहता है, तो दैट इज यू कैन कॉल इट दैट। मुस्कान नारंग, दे से दैट हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन वेयर गॉड डजंट से थाउ शैल्ट नॉट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, कृष्णा जस्ट सेड दैट वन हु डज नॉट लिसन टू हिम इज इग्नोरेंट और अ फूल। नाउ बीइंग अ टीचर, इफ यू से समथिंग लाइक, आई रियली डोंट नो, आई थिंक वी विल हैव टू हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन ऑल दिस। I mean, I would request that, you know, like this mango grove story, I said, if you like some mangoes, take them. If you think that some are rotten, you are free to reject those rotten mangoes or reject the whole bagicha. It's up to you. So, as I myself said, that there may be things that you may or may not like. But if you examined yourself or any other human being, that each and every atom of the other person should be pure and correct, you'll not be able to live in this world. Scripture is also like that. So if you don't like it, please reject it. So Saba, Bhagavad Gita सबसे मुख्य शास्त्र क्यों माना जाता है, सिखाया जाता है कि यह हिंदुओं का ग्रंथ है, क्या यह सही है? बिल्कुल, ये तो ग्रंथ तो है ही, इसको तो हिंदू धर्म में मानते ही है भगवद गीता को। सबसे मुख्य स्थान दिया जाता है, अब ये कौन देता है, कौन देने वाला है स्थान, सबके अपने अपने ग्रंथ है।
तो आप अलग अलग जगह जाइए, सब अपने अपने चीजों को मानते हैं। कोई हमारे दक्षिण भारत में ये शबरीमलाई में उनका नाम क्या है, कुमारस्वामी मुरुगन, उसका नाम है ही नहीं नॉर्थ में, मगर उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं यही है परब्रह्म। तो कौन कहे कि भाई ये सबसे मुख्य है, कौन सा मुख्य नहीं है, बट हाँ भगवत गीता को ज्यादातर लोग मानते हैं। तो ये और ये हिंदू धर्म में जरूरी एक ग्रंथ है, इतना तो कहना ही पड़ेगा। अनोनिमस अटेंडेंस डू द वेदास मिशन रीबर्थ, यस बट वेरी रेयरली, इधर उधर लिखा है और उपनिषदों में भी इधर उधर लिखा है, मगर उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं बनाई है रीबर्थ के बारे में, वो सब बाद में आने लगे ये फिलॉसफीज ऑफ रीबर्थ। फिर भक्ति करो भगवान मिलेगा, भगवान मिलता है क्या मुझे क्या मालूम, मैंने तो कभी भक्ति की नहीं है, मगर मैं यही कहूंगा कि भाई शास्त्रों में लिखा है। हाँ तो जैसे भगवद गीता और कई शास्त्रों में लिखा है कि आप भगवान के प्रति भक्ति करिए तो आपको भगवान प्राप्त होगा, कहते तो ये है। फिर मोक्ष का मतलब क्या है विनीत, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा जटिल और कठिन भी है। एक तरीके से मोक्ष को मानते हैं कि भाई पुनर्जन्म नहीं होगा, आप इसी जन्म में मुक्त हो गए, आपको फिर से जन्म नहीं होगा, मगर कई लोग कहते हैं कि अब अगला जन्म किसने क्या देखा क्या मालूम। तो जो हमारे जो बाधाएं हैं वो कहते हैं कि हम लोग बंधे हुए हैं, व्यक्ति जो अभी हमारी जो स्थिति है, अपना देह है अपना मन है और मन के अनुसार ही हम चलते हैं और मन के ऊपर कोई हमारे पास कोई काबू नहीं है, कोई संयम नहीं है, इंद्रियों के ऊपर कोई संयम नहीं है, तो इसकी वजह से हम जैसे अंदर से भावना उठती है उसकी तरह हम भागते रहते हैं। दारू पीने का मन किया तो दारू पियेंगे, गुस्सा आया तो गुस्सा करेंगे, ये हुआ तो वो होगा, जैसे अपना मन बोलता है ऐसे करते रहते हैं। हम सोचते हैं वो आजादी है मगर वो हम मन हमको नचा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं मोक्ष का मतलब ये है कि भाई मैं खुद में ही मुक्त हूँ, मैं अपने जो इंद्रियां या मन या देह के जो बाधाएं हैं जो बंधन है उससे भी मैं मुक्त हो चुका हूँ और उसी में सुख है। तो कई लोग मोक्ष का ऐसी भी परिभाषा देते हैं। पैडी कृष्णन, यू मेंशन द प्रस्थान त्रयी बट डिड नॉट रेफर टू द ब्रह्म सूत्रास, कैन यू एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ द ब्रह्म सूत्रास। एक्चुअली प्रस्थान त्रयी में द ऑर्डर इज उपनिषद और वेदांता, ब्रह्म सूत्रास एंड भगवद गीता। तो ब्रह्म सूत्रास मेनी पीपल क्लेम केम अर्लियर, मतलब गीता के पहले ब्रह्म सूत्र आया। अब इसका सारांश मेरे 2 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्रह्म सूत्र में फ्यू 100 श्लोक हैं, उसके ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, माधवाचार्य ने भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, वल्लभाचार्य ने लिखा, निम्बालकर ने लिखा, और उस भाष्य के ऊपर भाष्य टीका वगैरह वगैरह, और इंग्लिश में कई लोगों ने, इट्स अ काइंड ऑफ अ डेंस सब्जेक्ट, बट बेसिकली द ब्रह्म सूत्रास आर अबाउट एस्टैब्लिशिंग ए फिलोसफी ऑफ द उपनिषद्स। उपनिषदों में फिलॉसफी नहीं था जैसे मैंने बोला, तो ब्रह्म सूत्र में तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे इंक्वायर इनटू दिस, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट श्लोक ऑफ द ब्रह्म सूत्रास काइंड ऑफ इन अ वे समराइज इट इफ यू वांट। तो सबसे पहले ब्रह्म सूत्र में जो पहला श्लोक है कहते हैं कि जानने की इच्छा हुई, देयर वाज ए डिजायर टू नो, और फिर अंत में लास्ट में कहते हैं कि व्हाट इज दैट नॉलेज, इट इज द नॉलेज ऑफ ब्रह्म। सो ब्रह्म सूत्र से दैट इट इज द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, इट इज अबाउट द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, एंड इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेज अकॉर्डिंग टू द ब्रह्म सूत्र, नॉट अकॉर्डिंग टू एनीबडी एल्स, दैट द होल ऑफ द उपनिषद, द पर्पस ऑफ द उपनिषद इज टू गेन दैट नॉलेज ऑफ ब्रह्म। वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ही उपनिषद हैं, इसको साबित करने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखे गए। हर्षाली देवरे, what is to definition of god and what are your beliefs about this, see my beliefs are irrelevant so I will skip that, if you are very interested send me an email we can discuss it offline, ki main kya sochta hu usse kya hai,
तो हम तो अभी तक जो शास्त्रों के बारे में लिखे हैं, ये व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, ये थोड़ा इसमें अगर इंटरेस्ट है तो दो चार मिनट लगे इसको, शुड आई कंटिन्यू, एक ही बार में नहीं बताया जा सकता ये व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गॉड। तो जैसे परब्रह्म है, पिछली बार भी हम बोले थे देयर इज अ नेमलेस फॉर्मलेस एट्रीब्यूटलेस एब्सोल्यूट गॉड, पर ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म एक्सेट्रा, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई वो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसका कोई आकार या नहीं है, निराकार है, कोई गुण, गुण का मतलब है कि सीमित नहीं है, मतलब किसी गुण से हम सीमित हो जाते हैं। तो ये जो है ये परब्रह्म है, दैट इज द सुप्रीम ब्रह्म। विशिष्ट अद्वैत में वो कहते हैं कि गुण से क्यों सीमित होता है, अगर वो प्रेमी है, प्रेम है, तो वो अनंत प्रेम है, अगर वो ज्ञानी है वो भगवान, तो वो अनंत ज्ञानी है। तो वो सब डिस्कशन होते हैं कि भाई ये परब्रह्म क्या है, मगर उसके बाद जो गॉड जो हम बोलते हैं उसको पर्सनल गॉड माने जाते हैं, साकार और सगुण। तो उसमें ईश्वर सबसे पहले ब्रह्म में थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ तो ईश्वर आया। तो ईश्वर क्या है जो शास्त्रों में लिखा है, वैसे तो सबके सोच है भाई ईश्वर क्या है, तो ईश्वर तो वो है जो सृष्टिकार करता, सबसे पहले उसने पूरी ये विश्व का की सृष्टि की है, दूसरा इसको चलाना, इसकी पालना करना, मतलब अगर मैं किसी चीज को गिरो छोड़ू तो नीचे जाके गिरता है, तो इसका भी एक आधार है लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर मेरे को गुस्सा आए तो मन में चंचलता होती है और ब्लड खून में और हार्मोन्स आ जाते हैं गलत टाइप के, हेल्थ बिगड़ जाता है अगर ज्यादा गुस्सा आए, इसका भी आधार क्या है जो पालन करने वाला जो लॉ देता है, दैट इज ईश्वर। सो ईश्वर इज द वन हु इज द लॉ गिवर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन ऑल डोमेन्स, फिजिकल, केमिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ड्रीम एंड वॉट एवर वर्ल्ड देर आर वी डू नॉट नो। तो वो फलदाता मतलब द वन हु गिव्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, और जो सृष्टि करता है उसको ईश्वर माना जाता है अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, मगर इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट शास्त्रों में इसको ये मानते हैं। And what are my beliefs? इसको बाद में बात करेंगे. I don't want to discuss any of my beliefs in this. I'm pretty skeptical about many of these things. Okay, let me also say that a little publicly, but let's leave that for the time being. Mayank Sharma, what is the textual justification of caste? How well has it been mentioned in the texts? It's a very good question, and it's really everybody is bothered about it. It bothers me a lot. Last time also. In the first session, we had some 15 questions on this caste, and I have spent endless hours trying to find out what the scriptures say, etc. So, I'm just talking about the scripture. The political part of it, you decide. कि ये सच है, गलत है, ये राजनीति में आज की वो सब मैं नहीं कहना चाहता हूँ. तो there are stray reference इधर उधर जात के बारे में जरूर जिक्र किया गया है. तो जैसे मैंने बोला शुक्ल यजुर्वेद में वो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो अनंत परब्रह्म का जो ज्ञान है, जो असली दिव्य ज्ञान है, ये मैं सबको दूंगा जाति के आधार पर नहीं. तो उसमें लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आर्य अपने लोग और जो अजनबी हैं या स्ट्रेंजर्स हैं सबको हमें ये ज्ञान दूंगा. तो जरूर वहां पे ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं और भगवद गीता में भी है. उसको मैंने जब कभी कभी जब मैं अपना सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट हैट दिमाग में डाल के मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ और ये श्लोक देते हैं तो मैं उसको प्रे कर देता हूँ, कहते ये क्या है, तो गलत है, क्योंकि उसमें चतुर्वर्णियों के बारे में लिखा है, ये चार वर्णों के बारे में भगवत गीता में लिखा है. अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है मुझे नहीं मालूम. और जस्टिफिकेशन जो कहते हैं ये कहते हैं कि स्वभाव के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है, ये कहते हैं. तो जैसे आपका स्वभाव वही आपकी जाति हुई. अब कुछ लोग कहते हैं कि उस जमाने में जात जन्म से नहीं होता था, स्वभाव से होता था. अब इसका क्या मतलब है, अभी आजकल एक ही घर में अभी मेरे हमारे
गांव में जो हम ये किसानों के साथ काम करते हैं, 20-35 हजार लोग हैं वहां पे, हमारा जो अध्यक्ष है रमना रेड्डी, वो एक जात का है, जो भी जात हो उसका, रेड्डी जात का है। अब उसके दो बेटे हैं, एक बेटा जो है इंजीनियरिंग वगैरह करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कोई महिंद्रा टेक या कोई बड़ी कंपनी में बेंगलोर में काम कर रहा है। उसका दूसरा जो बेटा है वो वहां पे प्रोक्लेनर चलाता है, ड्राइवर का काम करता है, वो जो बड़ी बड़ी मशीनें आती है ना उसको चलाता है। दो भाई हैं, एक अंग्रेजी में बोलता है, बेंगलोर में रहता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, दूसरा ड्राइवर का काम करके गांव में रहता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या जात है? अब शास्त्रों में बोले कि भाई ये अगर मैनुअल मतलब हाथों से काम कर रहा है तो वो शूद्र है, और अगर ये अपने दिमाग से काम कर रहा है यहाँ बेंगलोर में वो ब्राह्मण है। पता नहीं इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मगर मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ये नहीं लिखा है कि अच्छे जीवन जीने के लिए ये जो हमारी जो आत्मा है ये एक जात में है और दूसरी जात में नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है जो डिवाइन आत्मा, जो दिव्य आत्मा है वो हर एक व्यक्ति में है और जात के आधार पर नहीं है। दैट इज द एसेंस ऑफ जो जिस तरीके से मैंने इसको समझा है, और बाकी जो है सामाजिक हैं और आजकल राजनीतिक भी हो गए। जानहवी मंजुले, सर व्हाट आर द बेस्ट बुक्स टू नो अबाउट हिंदुइज्म, आल्सो देयर इज सम एजुकेशनल कोर्स टू नो डीप। यू हैव टू चूज मैडम, मैं ऐसा किसी का की सिफारिश तो मैं कर नहीं सकूंगा, आई हैव माय प्रेफरेंसेस डेफिनेटली, बट जनरली मैं ये बोलता हूं कि जो लोगों ने अपना दिनचर्या अपना जीवन शास्त्रों को या ये ग्रंथों को मान के उसके आधार पर चले हैं उनके लिखे गए किताब ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी क्या हो रहा है हमारे देश में कि सब लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, कई लोग तो हैं टीवी गुरुज, उनके लाखों में संख्या में वो भाषण देते हैं, और कुछ लोग हैं वो अमेरिका में पढ़ के आते हैं गोल्डमन सैक्स और इधर, फिर वो सोचते हैं कि भाई हिंदू धर्म बहुत ग्रेट है, उसके बारे में अपनी टिप्पणियां देना शुरू करते हैं, मगर वो हिंदू धर्म का जो आचार है या मतलब जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको तो लीड नहीं करते हैं, केवल अपनी बुद्धि से कुछ कुछ लिखते रहते हैं। तो ऐसी किताबें ना पढ़ें। तो जो लोग अपने जीवन में इसका आचरण किए हैं, तो एक उसका उदाहरण है जो सब लोग जानते हैं, वो है महात्मा गांधी। वो हिंदू धर्म को मानता था और उसने अपना पूरा जीवन जो है सबके सामने रखा कि भाई ये मेरा जीवन है, आपको अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे। उनकी कई सोचें आपको अच्छी लगेंगी, कई सोच उनके ऐसे आपको अच्छी नहीं भी लगेंगी, मगर उन्होंने जो जो कुछ लिखा है धर्म के बारे में उसमें कुछ दम है, बट उन्होंने पूरी व्याख्या नहीं किया हिंदुइज्म के बारे में। बट पर्सन लाइक दैट जो जिन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा है, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो वो पढ़ना ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं तो सीधा ग्रंथ को पढ़िए, रीड द उपनिषद डायरेक्टली, रीड द गीता डायरेक्टली, थोड़ा बहुत इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है तो सीधा पढ़ लीजिए, या ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाके सीखिए जो आप मानते हैं कि भाई नहीं ये वो कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, मतलब वो कहते हैं कि किससे सीखना चाहिए, जो शास्त्रों को जानता है और जो जिसने अपने जीवन में इसका आचरण किया है, ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति से भी जाके पढ़ सकते हैं, ये कहते हैं। बट यू कैन सेंड मी एन ईमेल, आई विल सेंड यू सम रिकमेंडेशंस, आई डोंट वांट टू से इट हियर। अनोनिमस अटेंडी, सर बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू लर्न अबाउट संस्कृत विद, आई डोंट नो, I am not a Sanskrit scholar, I am not a Vedic scholar, I am not a Upanishad scholar. I am just a person who is interested in this subject. So, as far as I know, no university has that kind of depth or breadth. But there are many schools. Sanskrit padhne ke liye bahut sare log hain, bahut sare padhane wale log bhi hain. Aur jyada tar Dakshin Bharat mein jyada hain. Ashim Jain, क्या मोक्ष या मुक्ति की परिभाषा हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों में फर्क है क्या? तो पहले इसी को इसकी बात, अब ये अपने इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि इसमें फर्क है कि नहीं है, मगर जो एक बात है जो हर एक
तीनों धर्मों में, बौद्ध जैन और हिंदू धर्म में, जो बिल्कुल एक ही टाइप के हैं कि भाई पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस परिभाषा से मोक्ष या मुक्ति का मतलब एक ही है। अब वो मोक्ष के का जब ज्ञान होता है या ज्ञान नहीं होता है, वो क्या है, व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ बीइंग मोक्ष का, उसके ऊपर आचार्यों ने और स्कॉलर्स ने बहुत सारी टिप्पणियां दी हैं। दैट विल रिक्वायर ए स्लाइटली सेपरेट डिस्कशन। तो बौद्ध और जैन धर्म जो हैं वो नास्तिक हैं। नास्तिक इन द सेंस कि वो पहले तो ऐसे कोई भगवान को मानते भी नहीं है, मगर सबसे ज्यादा नास्तिक का मतलब है कि वेदों को नहीं मानते, तो वेद प्रमाण को नहीं मानते। और हिंदू धर्म में तो वेदों को ही सबसे उच्च स्थान दिया जाता है। तो इसी की वजह से जो परिभाषाएं और जो डिस्कशंस हैं उसमें थोड़ा अंतर आता है, बट कॉमन पॉइंट ये है तीनों में कि भाई पुनर्जन्म, रीबर्थ से आपको मुक्ति मिल जाती है। जैसे कुछ कहते हों कि जन्म मृत्यु की जो साइकिल से मुक्ति ही मोक्ष है, या कुछ कहते हैं कि पूरा ज्ञान प्राप्त से ही मोक्ष है अगर एक ही जन्म होता हो। एक ही जन्म होता हो तो मुझे नहीं मालूम, मेरे को ये भी नहीं मालूम कि अगला जन्म होता है कि नहीं, या एक ही जन्म, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। आई एम जस्ट डिस्कसिंग शास्त्रों में क्या लिखा है। तो इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है कि पुनर्जन्म से मुक्ति मिला तो मोक्ष मिला, कि ज्ञान प्राप्त करने से मिला तो मुक्ति मिला। तो इसका जो मेरे को समझ में आया, दोनों को एक ही चीज माना जाता है। इसका कारण ये है, क्योंकि जब तक मन में, दिल में वासनाएं या कामनाएं या डिजायर्स हैं, तो जन्म लेना ही पड़ेगा उनकी पूर्ति करने के लिए। तो वो कब हटेंगी? तो कहते हैं कि जो असली ज्ञान जब प्राप्त होता है, तो सारे जो वासनाएं, वृत्तियां, सबकॉन्शियस डिजायर्स, वो जल के राख हो जाती हैं ज्ञान के तप में। जल के राख हो जाती है, दे डोंट गेट अ चांस टू स्प्राउट अगेन। सो देयरफॉर यू विल नॉट बी बॉर्न अगेन, बिकॉज हम इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि अंदर कुछ वासनाएं दबी हुई हैं। अगर कोई वासना ही नहीं है तो जन्म नहीं होगा, और वासना तभी नहीं होगी जब ज्ञान प्राप्त होगा। सो दैट इज हाउ पीपल से कि दीज आर इक्विवेलेंट। इकबाल अहमद, व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ फेथ इन हिंदुइज्म? Very hard to say, but faith का नहीं मालूम, मगर common belief बोल सकते हैं कि एक तो सब लोग मानते हैं कि मतलब हिंदू धर्म में कि that आत्मा, soul, दिव्य ज्ञान या whatever that divine spark, वो सब में है। ये generally हिंदू धर्म में सब लोग मानते हैं। कहीं पे किसी भी सेक्ट या इतने सारे सेक्ट्स और हैं, कहीं पे ये नहीं कहते हैं कि भाई ये जो आत्मा है वो मुझ में और तुझ में नहीं है, या हम लोगों में उन लोगों में नहीं है। और ये नहीं कहते हैं कि केवल हिंदुओं में है, वो कहते हैं कि हर एक जीव में है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, हर एक जीव में है ये। जीवनम सर्वभूतेषु, जैसे भगवद्गीता में कहते हैं कि मैं हर एक जीव में हूँ, वो भगवान कहता है, या डिवाइन स्पार्क। सो दैट इज वन आर्टिकल ऑफ फेथ। दूसरा मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको मानते हैं। अब किसी भी धर्म में ले लीजिए, उनके अपने आर्टिकल्स ऑफ फेथ होंगे, ऐसा नहीं कि 100% लोग उसको मानते हैं। तो ये जो है लगभग 100% लोग इसको मानते हैं, जो मैंने अभी कहा। दूसरा है पुनर्जन्म, कि आप फिर से पैदा होंगे नहीं होंगे, इसको सब लोग नहीं मानते हैं, मगर ये भी एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, और इससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी इत्यादि। और एक आर्टिकल ऑफ फेथ तो नहीं कहूंगा, एक प्रैक्टिस है कि एक मार्ग नहीं है, भिन्न भिन्न मार्ग हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है हिंदुइज्म में। वो नहीं कहते कि भाई 10 कमांडमेंट्स ऐसे ही करोगे यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि भाई सब अपना अपने मार्ग से चल सकते हैं, और हर एक मार्ग के अपने अपने तौर तरीके हैं या मेथड्स हैं। तो ये भी एक आर्टिकल ऑफ फेथ है कि ब्रॉड इंक्लूसिव, कि भाई सभी मार्ग सही हैं टाइप ऑफ थिंग। बट इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस इकबाल, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, यू प्लीज सेंड मी एन ईमेल, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन आल्सो।
तो निर्मला जी पूछ रही हैं, ड्यूरिंग आदि शंकरा'स टाइम प्योरिटी इम्प्योरिटी अनटचेबिलिटी कास्ट वर प्रेवलेंट, व्हाट वर हिज थॉट्स? आई हैव नो आईडिया, आई हैव नॉट गॉन इनटू शंकराचार्य'स माइंड, बट देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी व्हिच सम ऑफ यू माइट हैव हर्ड. आई डोंट नो वेदर दैट स्टोरी इज ट्रू और इट इज एलेगोरिकल, बट इन द स्पिरिट ऑफ ए स्टूडेंट वी टेक इट एज व्हाट इज द एसेंशियल ट्रूथ ऑफ दैट स्टोरी. आई थिंक इट हैपेंड इन बनारस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो वो गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक जो सो कॉल्ड अनटचेबल है वो आके उनको छूता है. तो फिर वो बड़े क्रोधित होके उनको कहते हैं कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, या मेरा पूरी पवित्रता हट गई है, ये है वो है वो है. तो फिर वो जो सो कॉल्ड अछूत था, फिर वो कहता है कि कौन अछूत है, कौन हो तुम, मैं कौन हूँ, ये देह तुम्हारी आत्मा है क्या, वगैरह वगैरह. अछूत क्या होता है, प्योरिटी क्या होता है. तो फिर शंकराचार्य को समझ में आया कि भाई ये आदमी तो सच बोल रहा है, तो उसने उसको साष्टांग प्रणाम भी किया. तो ये कहानी है. अब क्या है कि हम वी आर लुकिंग फॉर ए परफेक्शन विच वी डोंट हैव. फर्स्ट वी बिकम परफेक्ट, देन वी रिकग्नाइज समबडी इज परफेक्ट. तो देर इज अ ह्यूमन एंड अ फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ शंकराचार्य. इफ यू टेक दैट स्टोरी, he also temporarily fell into matlab agyan by you know that tendency coming, but he corrected himself. Gandhi ke life mein dekhiye aap, wo to spasht likhta hai kya kya galtiyan ki usne, seedha public mein likhta hai. To usse wo mahatma nahi bana kya, magar usne uska fir kuch kiya ki bhai ha is mujh mein ye galtiyan hai, iske bare mein main kuch karunga. So yahi hai. So Vineet says, you are part of ADR and teach Hinduism. I am not teaching Hinduism. Let me be very clear. One very worrying thing is the mixing of religion with politics and the use of religion to access state power. How do you think the separation of religion and state can be measured? Are there principles in the scriptures that expose this narrow-minded use of religion? See, as far as I know, in the scriptures, these questions probably did not even arise. I don't know the kind of politics as you understand it today, whether it existed when the Upanishads were written. I am not sure about it. So perhaps they have not talked about it. And Nikhil, my dear friend, one of my best friends, of course, this is a very important question and it bothers all of us. But I will have to discuss this with you separately. About this mixing of religion and politics, etc., etc., because if you will allow me, this is not the topic for today. I had talked to you about this earlier also. Preeti Mishra, सबके साथ प्यार या क्या मैसेज हमारे धर्मों से लोग क्यों नहीं सीख पाते? अब लोगों से पूछो भाई मुझे क्या मालूम, और सिर्फ मूर्ति पूजन को ही भगवान मानकर उनके सामने प्यार बाकी दुर्व्यवहार करते रहते हैं. बिल्कुल, ये तो विडंबना है. बिल्कुल, मैं तो आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हूँ. अब लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे क्या मालूम, हम लोगों से पूछिए. इसका एक मुझे जो लगता है, ये मतलब धर्म से अलग है, ये मनोविज्ञान है, ये स्वार्थ के बारे में है. अगर मैं अपना भला चाहता हूं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भला चाहता हूं, और मैं धार्मिक भी हूं, मैं पूजा पाठ करूंगा. मगर जैसे स्वार्थ कम होता है, फिर मैं सोचता हूं कि केवल मैं और मेरा परिवार, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, सबके बारे में क्या होगा. तो फिर हम सोचते हैं यार वो भगवान और पूजा बाद में देखेंगे, मंदिर मंदिर बाद में जाएंगे, पहले सब लोगों के लिए कुछ करें. तो जितना स्वार्थ कम होता है उतना हमारा प्रेम ज्यादा होता है, और जितना प्रेम ज्यादा है होता है उतना स्वार्थ कम होता है, आप देख लीजिए. तो इसी की वजह से ये सब हो रहा है, जहां तक मुझे समझ में आया. अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम. अशीम जैन, वॉज देर एनी रोल ऑफ हिंदूज हिंदुइज्म इन द वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया इवन द गौतम बुद्ध वॉज फ्रॉम इंडिया? अशीम जी, दिस इज अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, बट एज आई हैव सेड अर्लियर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. But since you have taken the trouble, whatever little I have read and understood, definitely there was a conflict. Hindu and Buddhism ke beech mein conflict jarur tha, aur iska, it is openly written also.
Shankaracharya and Buddha, and before that his, what is that famous name? Some Bhatt, I forget his name. He had a big conflict with Buddhists. He went and stayed in a Buddhist monastery. So there was a conflict. There was a conflict in South India also between Buddhism and Hindus. And there was a even bigger conflict recently, I mean, last few centuries, between Jainism and Hinduism. So yes, there was conflict. And did Hinduism have a role to play? Perhaps. The standard explanation that they give is that because Buddhism rejected the Vedas, it disappeared from India. If that is true, then Jainism also should have disappeared. Jainism is there, but of course it still, you know, has very few people who follow Jainism in that sense. I don't know. They must have had a role. क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है मुझे नहीं मालूम याकूब मोहम्मद जी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम मैंने तो अपना ना पिछला जन्म देखा है ना अगला जन्म के बारे में मालूम है मुझे यह मालूम है कि आज मैं जिंदा हूँ इतना ही मुझे मालूम है ये शास्त्रों में लिखा है कि पुनर्जन्म होता है अब सच है कि नहीं है आप जाने या शास्त्र जाने मुझे नहीं मालूम आर नारायण इन सनातन धर्म वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वी ओनली हैव भगवान द पर्सन मैनिफेस्टेड विद द सिक्स भाग्स This is a correct view of the Vishishta Advaita. The Vishishta Advaita में वो भगवान मान बोलते हैं ईश्वर नहीं बोलते हैं और Vishishta Advaita का जो ये भागवत कुरान और विष्णु पुराण and the whole philosophy of Vishishta Advaita रामानुजाचार्य का जो है उसमें जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है but God का एक concept नहीं है problem क्या है कि अलग अलग philosophies के अलग अलग concepts हैं तो जो बिल्कुल ही अजातवाद जो अद्वैत है वो तो भगवान को मानते नहीं है दे डोंट एक्सेप्ट अवतार दे डोंट एक्सेप्ट गॉड दे ओनली से देयर इज दैट वन रियलिटी एब्सोल्यूट ब्रह्मन दैट्स इट और कुछ नहीं है दैट्स व्हाट दे से तो इट इज एन एंडलेस डिबेट बट सर्टेनली व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल आर नारायण वर्ण एंड जाति आर नॉट द सेम दैट्स ट्रू बट You know, we are not really discussing Varna and Jati, and I'm not an expert on that subject. But what you're saying is true. They're not the same. Mayank Sharma, much of the Indian society is shaped by Manuspriti. Does the continuous extension of Indian civilization because of Hinduism? I have not studied the Manuspriti in great detail, and I have not even thought about whether Indian society is actually shaped by Manuspriti or not. I have no idea. Today's politics, this word has come up, Manusmriti, Manuvadi, burning the Manusmriti, etc. has come up. But if you read the scriptures extensively, I have spent many years, not only reading, I have gone and lived in this monastery, that monastery, in Haridwar, Rishikesh, Belur Math, South India, North India, Himalaya, kahan kahan main sadhu muni. I don't see any big impact of Manusmriti there. But if you believe that the whole of Indian civilization is shaped by Manusmriti, maybe you're right. I really don't know. Fir Rawat Ram Bikaner, Swarg Narak Karta Hai Keval Dar Hai Ya Vastav Mein Kuch Hai Iske Bare Mein Batane Ka Kasht Karein Aapka Rawat Bikaner. Rawat Ji, Namaste. Achha Sawal Kiya. Jaisi Pichli Baar Bhi Humne Kaha Tha. जो हमारे सबसे उच्च ग्रंथ माने जाते हैं वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र भगवद गीता उसमें कोई नरक और स्वर्ग का कोई जिक्र नहीं है बाद में कई पुराण वुराण इत्यादि आए हैं उसमें वो बोलते हैं कि ऐसा करने से नरक जाओगे मगर ज्यादा उसका जिक्र नहीं हुआ है और कहीं पे ये नहीं लिखा है कि ये शाश्वत है अगर आपको नरक में भी जाना है तो कुछ दिनों के लिए जाओगे फिर से आपका जन्म होगा अगर आप स्वर्ग में भी जाओगे तो पुण्य का जो भी आपका जो फल है उसको भोगोगे और खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से उतर के फिर से जन्म लोगे मगर जो हमारे सबसे उच्च शास्त्र के ग्रंथ हैं जैसे मैंने बोला ना उपनिषद भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र उसमें स्वर्ग और नरक का कोई जिक्र नहीं फिर पैडी कृष्णन योर व्यू ऑन आत्मा जीवात्मा स्पेसिफिक टू अद्वैता Does Vishishta Advaita not say that everyone's Jiva Atma is different or is my understanding incorrect?
you know, everybody's understanding is correct. In my what I would say is, yes, I have a bit of an Advaitic slant. I admit that. So there is a bias. But Vishisht Advaita says that the essential Jiva and the Paramatma are not different. But it says that, so Advaita says everything is Brahman. This soul of mine is also Brahman. It's not a part of it, it is a Brahman itself. And there is nothing but Brahman. Vishisht Advaita says that Brahman is qualified by the universe. That means the universe is an attribute of Brahman. And each soul, in essence, is the same as Brahman. So, ek bund pani versus pura sagar. So, jo jeev hai, wo ek bund pani hai, aur jo paramatma hai, wo sagar hai, anant sagar hai. So, that is the conception of Vishisht Advaita. Dvaita mein aur bhi, it's even more different from these two. So, yes, you're right about what you're saying. But it doesn't say that the jeevatma is actually different. It says that the essential Atma of every soul, even in Vishisht Advaita, is the same as the Paramatma. But it's a part of it. It is not the whole of it. Nirmala, sir, did Ramana Maharshi believe in Vedas and Upanishads? See, this is not a discussion about any particular person. Yes, he believed in it. If you want a short answer, yes. But we'll discuss it separately. Every day they used to recite some of the Upanishadic shlokas there. Iqbal Ahmad, where do we go or stay once we attain moksha? I wish I knew. I have not attained moksha. But what the scripture says is that you merge in that Supreme Brahman, Allah, if you want to call it Allah. So, aap usme shamil ho jate hain. Jaise ek lote mein pani leke humne samundar mein dala, to fir wo poochte hain ki wo lote ka pani kahan gaya? Wo samundar mein mil gaya hai. कहां पे गया क्या मालूम. सो दैट इज वेयर वी गो व्हेन वी गेट मोक्ष. दैट इज व्हाट दे से. इज द लेजेंड ऑफ लॉर्ड रामा ट्रू? डॉक्टर एस के पचौरी आईए. सर यू आर अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन. यू आर प्रोबेबली सीनियर टू मी. यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द आईएएस. व्हाट कैन आई से. आई डोंट नो वेदर द लेजेंड ऑफ लॉर्ड रामा इज ट्रू और नॉट. सम पीपल क्लेम दैट देयर इज इनफ हिस्टोरिकल एविडेंस एंड सम पीपल क्लेम देयर इज नॉट इनफ हिस्टोरिकल एविडेंस. And perhaps there was something that might have happened, and so many mythologies and cock and bull stories and interpolations and legends and myths were built around it because we are very wonderfully creative in India. So maybe that also happened. So to separate whatever little fact there was from the reality is hard to say. But since we are talking about scriptures, I will mention one thing. Whether we accept it or not is up to you. So this Rama, Lord Rama, as you say, for centuries or thousands of years, people have prayed to him. And by praying to him, some people apparently have got even liberated. So in North India, a famous person is Tulsidas. तो तुलसीदास को मोक्ष प्राप्त हुआ केवल भगवान राम की प्रार्थना करके या उनकी उपासना करके. साउथ में त्यागराजा, रामदास एंड सो ऑन. तो राम के जो उपासना करने वाले सदियों से हैं. अब वो सच है गलत है उनकी इमेजिनेशन है मुझे नहीं मालूम. सो इट इज पॉसिबल दैट देयर वाज सम एसेंशियल ट्रूथ. उसके आजू बाजू में बहुत सारे कहानियां और टिप्पणियां और माइथोलॉजी शायद बिल्डअप हो गई. दिस इज That's also possible. I don't know. So, Nachiket ji, of all the various ashrams and mutts you have been in, any one of them you felt was pretty? Of course I did, but I don't want to say this. I'm not here to recommend anything, but again, we'll have to discuss this privately. There are quite a few good ones, by the way. It's not, see, for 100 ashrams, I have not visited 100, obviously is self-selection. All of them are not frauds. It cannot be. I mean, so many people can't be brainwashed spending their whole life doing this, if is there are not so many idiots in the world who are otherwise very educated. So yes, there are some good ashrams and mutts. Surendra Kumar, what is the basis of the existence of the soul? I wish I knew, sir. I do not know. They say it is. So it like Satchidananda Brahma, what is the basis of existence of Brahman? I do not know. It is always is.
It is eternal, immutable, unchangeable, all pervasive, वगैरह वगैरह. तो ये क्यों है मुझे नहीं मालूम, ये है. That's what the scripture says. Again, I am just quoting the scripture. How to ensure that the rational view of essential Hinduism over the more divisive versions become more prevalent, especially for political purpose? Very good question, sir. I am also very much interested in it. कि ये जो धर्म का इस्तेमाल या गलत उपयोग हो रहा है, इसके बारे में बहुत मैंने सोचा और कई लोगों से चर्चा भी की, साधु संन्यासियों से भी. मुझे एक ही बात समझ में आई, शायद इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए. अगर हम ये बोलें कि ये जो डिवाइन स्पार्क आत्मा सब व्यक्तियों में है, हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, ईसाइयों में है, सिखों में इत्यादि, नारी पुरुष दलित ब्राह्मण सब में है, अमेरिकन इंडियन अफ्रीकन सब में ये आत्मा है, और ये हमारा धर्म कहता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट सेज इट इन क्लियर रिंगिंग टोन्स. इस बात को अगर हम जितना हम फैलाएं तो थोड़ा ये सब, ये जो रिलीजियस स्ट्राइव एंड हेट्रेड थोड़ा बहुत शायद कम हो सकता है, मुझे नहीं मालूम. If you want to use the power of religion, of course, there are other ways of dealing with it. But if we the power of religion and spirituality ka istemal karke ye sab strife or conflict or hatred ko kam karna chahte hain, ye jo grina aur ye sab hai, to yehi hai ki bhai ye jo atma hai, jo bhagwan hai ya ishwar hai ya allah hai, wo sab mein hai, har ek hriday mein basa hua hai. Ye baat humko sabko batana padega, isse thoda kam hoga. How to ensure that rational? ये तो हो गया. बस, that's it, sir. I don't have any more questions in front of me. तो, thank you so much. I have learnt a lot. बहुत कुछ सीखने को मिला आपके सवालों से. क्योंकि हमारा भी एक थोड़ा सा non-religious agenda है ये सब करने के लिए. तो आपके सवालों से बहुत कुछ सीखने को मिला. तो मायंक शर्मा जी का और एक सवाल है. What do the scriptures say about continuous relevance of religion? How access it is to criticize it. देखिए, जहां तक मेरे को समझ में आया है, हमारे किसी शास्त्र धर्म में नहीं लिखा है कि तुम इसकी निंदा नहीं कर सकते हो, इसकी आलोचना नहीं कर सकते. Nowhere is it said that you cannot criticize the religion. कहीं पे लिखा नहीं है. Of course, कहीं ये भी नहीं लिखा है कि आपको इसकी आलोचना करें, ये भी नहीं लिखा है. But ये जरूर लिखा है वेदों में कि वेदों को मानने की जरूरत नहीं है. ज्ञान प्राप्त करने के लिए यू डू नॉट नीड टू नो द वेदास, ये भी लिखा है. सो दैट्स व्हाट इट इज. एंड कंटीन्यूअस रेलेवेंस ऑफ रिलीजन, दैट इज फॉर ईच ह्यूमन बीइंग और द सोसाइटी टू डिसाइड. बट द स्क्रिप्चर डजंट से एनीथिंग दैट आई एम ऑलवेज रेलेवेंट और एनीथिंग लाइक दैट. ऑफ कोर्स इट सेज दैट वी आर प्रीचिंग एन इटर्नल ट्रूथ एंड टेक इट और लीव इट. मास सिंह, हमारे जीवन में कोई ऐसी शक्ति या ईश्वर है जिसे हम दिव्य मानते हैं, जो हमारी रक्षा इच्छा कार्य संपन्न करने में मदद या पूरा करता है? जैसे आपकी भावना, अगर आप ऐसा मानते हैं तो है, ऐसा नहीं मानते तो नहीं है. मगर ईश्वर जो आप कह रहे हैं ना, ईश्वर क्या है? जैसे अपनी मन की भावना, वही ईश्वर है. इफ आई हैव टू बी लिटिल सरकास्टिक, स्वामी विवेकानंद वंस सेड कि अगर आप एक भैंस को बोले कि भगवान के बारे में सोच, तो वो आंखें बंद करके एक बड़ी भैंस के बारे में सोचेगा, क्योंकि भैंस के लिए भगवान है बड़ा भैंस. तो हम भी एक तरीके से सीमित हैं कि ईश्वर का की जो हम कल्पना करते हैं वो क्या है, वो अपनी कल्पना है. वो असली में ईश्वर है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम. सो जैसे आप ईश्वर की कल्पना करते हैं वही आपके लिए ईश्वर है, और क्या कह सकते हैं. हिंदू का क्या अर्थ है मुझे नहीं मालूम. हिंदू, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हिंदू शब्द का जो इस्तेमाल है कहीं भी शास्त्रों में धर्मों में कहीं नहीं लिखा है. वो हिंदू शब्द का जो पहले प्रयोग हुआ है, जो हमने पढ़ने को मिला है, कि वो जो विदेश से लोग आए थे मिडिल ईस्ट से, वो कहते थे कि जो सिंधु नदी के उस पार रहते हैं वो हैं. इंग्लिश में उसको इंडस रिवर बोलते हैं, और सिंधु नदी जो इंडिया पाकिस्तान में है शायद, तो जो उसके उस पार रहते हैं वो लोग हिंदू हैं. तो वो सिंधु का हिंदू, हिंदू का हिंदू ऐसे बन गया. तो
तो वही है हिंदू, जो मतलब ओरिजिनल मीनिंग जो उस नदी के इस पार रहते हैं। थैंक यू सर, और कोई सवाल नहीं है? त्रिलोचन जी, मेरा नाम सबा है और मैं एक फेलो हूँ लोकतंत्र शाला में। आपको बहुत ही शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ लोकतंत्र शाला की तरफ से इस बहुत ही जरूरी सत्र के लिए, स्पेशली आज के समय में। पर्सनली मुझे भी एहसास हुआ कि मैं अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, हिंदू दर्शन शास्त्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, और बल्कि हम रीति रिवाज तो प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने बहुत कुछ सीखा एक पर्सनल लेवल पे। एंड आई ऑल्सो जस्ट वॉन्ट टू से दैट दिस इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन हिंदुइज्म वॉज इनक्रेडिबली नेसेसरी, स्पेशली फॉर यंग पीपल लाइक मी हु टेंड टू शर्क अवे फ्रॉम द मेंशन ऑफ आर रिलीजन और हिंदुइज्म, एंड वी कनेक्टेड ओनली टू इट्स पोलिटिकल यूसेज टूडे। सो टूडे यू ब्रॉट आउट द रियल philosophy behind the religion and what it says, its basic tenets, which many of us really don't know, surprisingly enough, the difference between Shruti, Smriti, Itihas, Puranas, Darshan, even these basic things we don't know, and especially the connections between what Hinduism says and what is written in other religions, that I really learned from that. So I would just like to thank you again. And I would like to emphasize how important this was for us all, activists, academics, everyone, to know religion and what Hinduism actually says, especially in a time like this when it's being used for evil, for violence, to know the good tenets of the philosophy, for productive discussions and to use it for good. So, फिर से मैं कहना चाहती हूँ हमारे दर्शकों से और लोकतंत्र शाला से बहुत तहे दिल से धन्यवाद. And we look forward to having further discussions in introductory sessions on religions, Buddhism, Islam, Christianity, and other faiths practiced in India today. So thank you again, and Zindabad. Dhanyavad, Zindabad.